आज फिर से बाजार में बने हैं नए रिकॉर्ड और फाइनली निफ्टी ने भी एक पॉइंट से ही सही लेकिन नया रिकॉर्ड जरूर बनाया। आखिरी डेढ़ घंटा कुछ मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली, क्योंकि कल का दिन है बेहद अहम, क्रेडिट पॉलिसी भी और वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी। उससे पहले क्या हो आपका ट्रेड, इस पर होगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। मैं हूं रजत देवगन। अभी थोड़ी देर पहले मॉनसून का जो पूर्वानुमान आना था स्काई मेट का, उसमें वो बोल रहे हैं कि सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है, थोड़ा कम वैसे 96 से लेकर 104% की रेंज होती है, 93% का अनुमान तो बता रहे हैं। एक अच्छी बात बताऊं आपको, इसमें भी अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात, स्काई मेट है ना, ये एजेंसी निजी एजेंसी है। हाँ ये निजी एजेंसी, पिछले दो साल से ये जितना मानसून बता रही है उससे बेहतर आ रहा है। जैसे पिछले दो बार के इनके अनुमान कमजोर मॉनसून के थे, मॉनसून दोनों ही साल बढ़िया रहे, इनके अनुमान से तो बहुत ही बढ़िया रहे, तो मुझे लगता है कि ये थोड़े से ना अनुमान करने में अपने आप को रोक लेते हैं। फर्टिलाइजर में उतनी तेजी हुई नहीं जो शुरुआती तसर था, ठीक है तो रोज चलता रहेगा। देखिए आज उन्होंने अनुमान किया तो उस पर थोड़ा तो रिएक्शन होना चाहिए ना भाई, थोड़ा क्या अभियान रिकॉर्ड है, सुबह से हेडलाइन में चला रहे हैं आज अनुमान आने वाला है, अनुमान आने वाला है, जब आया है लेकिन अनुमान आया ना, बारिश तो नहीं आई अभी तक, एक्चुअल बारिश जब आएगी और अगर कम आई तो मूड और खराब करेंगे, लेकिन आज अनुमान खराब आया तो हमने थोड़ा सा मूड खराब किया है बस, लेकिन रजत मूड खराब नहीं, मैं ज्यादा चिंतित नहीं। हाई लेवल्स जहां पर शो को बिल्कुल वही बोला था कि बाजार जो शुरू होगा तो आप नजर रखें रिकॉर्ड लेवल्स पे, बस तो स्काई मेट रिकॉर्ड जो परफॉर्मेंस पिछले दो मॉनसून की है वही आगे भी बरकरार है, बस हम नहीं चाहते हैं कि भाई जितना आपने बोला उससे ज्यादा आ जाएगा, काफी आप इन्फोसिस की तरह रहिए, कहिए कम डिलीवरी ज्यादा करिए, बताइए कम मॉनसून बारिश ज्यादा कर रही है। चलिए अभी तो फोकस वैसे ज्यादा तो गर्मियों पे ही है, गर्मियों का तो जो भी आना चाहिए अनुमान वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। आज की बात बड़ी बातें बता दें, रिकॉर्ड लेवल तो आपने सबसे बता दिया, आगे आज फाइनल टिक नहीं पाए ये भी दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर निफ्टी का टारगेट किसी का 15,000 है तो 15,000 क्या 15 दिन में थोड़ी हो जाना चाहिए, आराम से होगा, धीमे धीमे होगा, जल्दी क्या है, लेकिन रिकॉर्ड बनाया है ना आज हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो रिकॉर्ड लेवल्स पर है निफ्टी, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड पहले ही बना चुका है 30,648 का, सेंसेक्स ने भी आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। मॉनसून का अनुमान थोड़ा कमजोर रहा है लेकिन मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है, और हमने कल भी सेक्टर को कहा था ये है सेक्टर ऑफ द डे, तेजी से दिखाएगा, और दो दिन में रुपए ने जो शानदार तेजी दिखाई, अरे वाह काबिल तारीफ है, कल कमजोर खुलकर जिस तरह से 40 पैसा मजबूत हुआ और आज भी रुपए की रफ्तार कहीं थमती नजर नहीं आ रही है, तो रुपए में बेहद शानदार मजबूती होती दिख रही, तो करेंसी मार्केट में जो एक्शन है वो भरपूर तेजी का बना हुआ है। एक बार करेंसी मार्केट में हम आपके सामने लेकर आएंगे रुपए का इस वक्त का हाल, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से करेंसी में बेहतरीन तेजी है। 26 पैसा मजबूत है, 68.48 क्या चाहिए और, बहुत ही बेहतरीन। कच्चा तेल $70 के करीब है, थोड़ा सा नीचे है, 70 के ऊपर अभी तक तो नहीं निकला है, लेकिन लग रहा है निकलेगा तो है आज नहीं तो कल, तैयारी है, इसलिए ऑयल एंड गैस शेयरों पर थोड़ा दबाव है खासतौर से तेल कंपनियों पर। चलिए तो रुपए मजबूती ठीक, क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले रुपया फिर से मजबूत होता हुआ नजर आया, और ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जो रुपए के लिए बहुत बेहतर गुजर रहा है, लेकिन इशू में आपको क्या बताएंगे ये फटाफट से मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि सबसे पहले होंगे ट्रिगर्स जो बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या असर पड़ सकता है मार्केट्स पे, ये आपको क्लोजली ट्रैक करने चाहिए, उसके अलावा होंगे खबरों वाले शेयर्स भी, यानी बाजार खुलने के बाद कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर इंपैक्ट पड़ा है उनके स्टॉक के प्राइसेस पे, और रिकॉर्ड हाई से कितने दूर कितने पास, बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है आपके लिए, बहुत काम की रिसर्च है ये बताएंगे थोड़ी देर में कि एग्जैक्टली हाई लेवल्स पे तो पहुंच गए निफ्टी, लेकिन क्या निफ्टी के सभी कंपोनेंट्स जो हैं सभी स्टॉक्स वो रिकॉर्ड लेवल्स के नजदीक हैं या फिर कुछ डाइवर्जेंस शो हो रहा है। इसके अलावा वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और निफ्टी बैंक की कल, उससे पहले जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज की राय है वो आपके सामने रखेंगे, और इसके अलावा BTST कॉल्स होंगी यानी कि टेक्निकल कॉल्स जहां पर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं, अनिल जी की स्ट्रैटेजी होगी ठीक 2:30 बजे जहां पर इंपैक्ट पड़े, जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर एक्सपायरी से पहले कम हो जाएगी कि आपकी EMI, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और पहले नतीजे का पहला पोल, ये तो पहले रिजल्ट आएंगे कल, सबसे पहले GM रूरिस के, वो तो ठीक है, पहला नतीजा उसका पहला पोल है, बिल्कुल पहले नतीजे का पहला पोल, पहले प्यार का पहला कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इस फील्ड में भी आपको प्रोग्रेस करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन चलिए पहले नतीजे का पहला पोल आप देखेंगे, बैंक से बेनिफिट देखेंगे। हाँ एक और चीज है जो इसमें लिखी नहीं है वो भी होने वाली है,
RVNL IPO का आज आखिरी दिन है, हालांकि हम राय दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद आज आखिरी दिन है। काफी लोग ट्विटर पे मुझे फिर से कह रहे हैं हाँ सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने स्ट्रांग नहीं आ रहे और इनफैक्ट लगातार दूसरा ऐसा आईपीओ हो रहा है जो सरकारी खेमे से और उसको इतना अच्छा रिस्पांस, तो उस पे मैं अपनी राय दूंगा कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यह भी हम आपको इसी शो में बताएंगे। ओके राइट, लेकिन सबसे पहले तो ये ट्रिगर्स जिसमें बोल रहा हूँ कि बहुत क्लोजली ट्रैक करने हैं और ये ट्रिगर्स कौन से बताने के लिए मानसी इस समय मौजूद हैं। मानसी फटाफट से बताएं कि कौन से ट्रिगर्स, शुरुआत की आप मॉनेटरी पॉलिसी के साथ करेंगे या फिर कोई और बड़ा ट्रिगर है जो आप एक्सपेक्ट? नहीं बिल्कुल रजत, वैसे आईपीओ का बाजार काफी एक्शन में है। अच्छा। तो शुरुआत आज ही के इवेंट से शुरू कर लेते हैं। एक तो मेट्रोपोलिस हेल्थ का आईपीओ आज से खुला है, 3 से 5 अप्रैल तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 877 से 880 रुपए के बीच होगी और प्रति शेयर, और इस इवेंट पर खास ध्यान रखें, 3 से 5 अप्रैल तक ये इवेंट ट्रैक करता रहेगा मार्केट को। साथ ही RVNL लिमिटेड के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा आज शाम ट्रेड डील को लेकर एक अहम खबर आ सकती है क्योंकि यूएस चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर वार्तालाप फिर से शुरू हो सकता है, तो इस खबर पर भी काफी नजर रखनी होगी क्योंकि पिछले हफ्ते भी एक बैठक हुई थी जो कि बीजिंग में हुई थी और आज शाम को जो बैठक होने जा रही है वो वाशिंगटन में होगी। तो ट्रेड वॉर से जुड़ी कुछ खबरें आ सकती हैं, कोई डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। बात करते हैं कल की, एक तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है कल, इसके अलावा RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक कल खत्म हो जाएगी और ब्याज दरों पर कल फैसला आता हुआ दिखेगा, तो इस इवेंट पर भी नजर रखनी होगी। और साथ ही नतीजों का आगाज कल से हो रहा है, जेएम ब्रोकरीज के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, तो आज और कल को लेकर कुछ एक तमाम इवेंट्स। चलिए तो रिजल्ट सीजन की हो रही है शुरुआत मानसी कर रही है जीएम ब्रोकरीज के साथ, और कल तो बड़ा एक्शन वाला दिन है, आरबीआई की पॉलिसी भी है और साथ ही वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी। हफ्ते की एक्सपायरी के पहले और पॉलिसी के पहले क्या कुछ एक्शन होगा इसकी करेंगे शुरुआत, और साथ ही बताएंगे आपको कुछ खबरों वाले शेयर भी। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हैं दो खास मेहमान, राकेश बंसल कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोनों ही, और उनसे करते हैं बातचीत। और एक चीज़ बताइए कुणाल जी, ये तो मानसून का अनुमान जो स्काईमेट ने दिखाया कहा कि भाई ये थोड़ा हल्का मानसून आएगा, उसके बावजूद न तो फर्टिलाइजर शेयर कुछ खास गिरे है न बाजार में गिरावट आई, ऐसा क्यों? शायद उसकी वजह आपने अभी बताई है कि स्काईमेट का जो अनुमान होता है आमतौर पर जितना होता है उससे कम होता है, तो शायद बाजार उसी को लेकर के चल रहा है, तो कुछ डिस्काउंट लेकर के चल रहा है। और मुझे लगता है कि वैसे भी देखिए स्टॉक्स में कोई खास तेजी तो हमने देखी नहीं फर्टिलाइजर काउंटर्स में, तो शायद उसका भी कोई असर होगा कि कोई इम्पैक्ट तो आना नहीं चाहिए उसका। बंसल जी, अनिल जी देखिए स्काईमेट और आप में एक समानता है, आप दोनों बड़े कंजर्वेटिव हैं, स्काईमेट के भी जो एस्टिमेट होते हैं काफी कंजर्वेटिव होते हैं और उससे बेहतर ही मॉनसून देखने को मिला है। जैसे अनिल जी आप आज के 2000 देते हैं उसमें 2000 थोड़ा ना 20,000 के ऊपर बनते हैं, तो कंजर्वेटिव है अनिल जी व्यू ना, इसलिए फर्टिलाइजर और बाकी जगह पे सेल ऑफ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब ऐसी बात बोल दी तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता बंसल जी को, बंसल जी को सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ आज एक स्टॉक में जो जरूर 2000 बने होंगे वो था रेमंड्स, आज का हीरो शेयर रियल एस्टेट सेक्टर में वेंचर जो किया है, अनाउंसमेंट पहले हो गई थी लेकिन आज क्लैरिफिकेशन दी है, आज सिलसिलेवार तरीके से बताया कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। रेमंड्स ने कहा है कि 3000 फ्लैट बनाएंगे और 5 साल में 3500 करोड़ की आय होगी, और रेमंड रियल्टी के नाम से इन्होंने कंपनी बनाई है, और 20 एकड़ जमीन जो इनके पास थाने में है एकदम प्राइम लैंड है वो। आप गए उस तरफ अभी नहीं गए थाने में? हाँ गया हूँ ना, रेमंड्स की लैंड देखी हुई ना। हाँ तो बिल्कुल, अगर आप शिरडी या नासिक की तरफ जाएं तो थाने वाले रास्ते से निकलते हैं तो वहाँ पर आपको नजर आती है। तो 125 एकड़ में से अभी 20 एकड़ जमीन को ये पूरी तरह से अभी ये विकसित कर रहे हैं और 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और सबसे बढ़िया बात एक और है, बताइए क्या? फ्लैट की साइज जो है ना 505 से 645 स्क्वायर फीट की है, इतने में तो 2 BHK बन जाता है ना, अफोर्डेबल। हाँ, इसको अफोर्डेबल 2 BHK बन जाएगा। कुणाल जी से पूछिए 500 से 650 स्क्वायर फीट, कुणाल जी को भी पूछिए होते हैं नोएडा में दिल्ली में, अरे वो तो आपका बरामदा होता है उससे ज्यादा तो नहीं नहीं, ये दिल्ली से कंपेयर मत कीजिए, हमें बड़ा वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। सच्ची 600 स्क्वायर फीट में 2 BHK निकल आता है? हाँ निकल जाए सब पता, पूछो मत क्या क्या नहीं निकल पाता है। लेकिन रेमंड्स इस कुणाल जी अपने चार्ट तैयार करें एक बार सुन लेते एग्जैक्टली आपने क्या लेवल दिए थे और उसके बाद एग्जैक्टली स्टॉक में क्या। ठीक है रेमंड्स, ये है स्टॉक जहां पर आज आप खरीदारी कर सकते हैं 11:30 बजे मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कम से कम अब से लेकर 11:30-11:30 बजे तक तो मजबूत रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के में जो भी ऐलान आता है वो इम्पोर्टेंट होगा। 810 ये स्टॉप लॉस का लेवल है फ्यूचर्स का, इस पर नजर रखनी चाहिए। 810 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, 835 पहला टारगेट है।
तो अच्छी तेजी आज के सत्र में रेमंड पे देखने को मिल रही है। और आज का हीरो में ये शेयर आपको रिकमेंड किया गया था, टारगेट 835 का पहला टारगेट था, वो इस स्टॉक ने अचीव किया है। और दूसरा टारगेट 845 वाला भी अचीव किया, 847.17 आज का हाई है। तो अब वैसे तो दोनों टारगेट हासिल हुए हैं, 855 का अल्टीमेट तीसरा टारगेट था उसको छोड़कर। तो कुणाल जी बताइए, जिनके पास हैं तेजी की पोजीशन, प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करें, स्टॉप लॉस क्या रखें, टारगेट क्या रखें? देखिए मेरी राय में अनिल जी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि थोड़ा तो बाजार का मूड भी थोड़ा खराब हुआ है, और दूसरी बात यह है कि इस काउंटर ने भी 850 के लेवल को पार नहीं किया जहां पर एक रेजिस्टेंस इमीडिएटली दिखाई देती है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर, क्योंकि मुनाफा अच्छा हुआ है, निवेशकों को मुझे लगता है एक बार के लिए निकल जाना चाहिए और बहुत बेहतर खरीद के विकल्प हम लोग सुझाएंगे, उसमें निवेश करें। लेकिन कौन से स्टॉक्स पे असर पड़ा खबरों का आज, वो बताने के लिए इस समय देवांशी मौजूद है। देवांशी बताएं कौन से स्टॉक्स और उस पर इम्पैक्ट क्या था आज? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेंगलुरु प्लांट बंद करने का फैसला यहाँ पे आता हुआ दिखा, और कुल टर्नओवर में मौजूदा प्लांट का जो यहाँ पे योगदान था वो करीब 17% था, तो इस पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। साथ ही कैडिला हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे यूएस एफडीए की जाँच हुई थी और यहाँ पे एक आपत्ति कंपनी के ऊपर जो प्लांट था उसके ऊपर जारी कर दी गई है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा रेमंड, जैसे आपने कहा, यहाँ पे करीब 3500 करोड़ की आय की उम्मीद यहाँ पे आने वाले 5 साल में, जिस तरह से एक डेवलपमेंट यहाँ पे लैंड पार्सल पे होता हुआ दिखेगा। अमरा राजा बैटरीज का काउंटर आज फोकस में, करीब 5% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। गाला जॉनसन कंट्रोल के साथ कंपनी ने करार खत्म किया है, इसी को लेके यहाँ पे चिंताएं बनी हुई है। साथ ही एलएनटी का काउंटर भी फोकस में रहेगा, कंपनी ने यहाँ पे कोबेल्को मशीनरी जेवी में पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, 43 करोड़ में पूरी हिस्सेदारी कंपनी ने बेची है। लूपिन का स्टॉक फोकस में, जहाँ पे यूएस एफडीए से 5वीं जांच पूरी हुई है और वहाँ पे बायो रिसर्च प्लांट को क्लीन चिट मिली है, वो एक पॉजिटिव खबर यहाँ पे लूपिन के लिए। एनएमडीसी कंपनी ने अप्रैल में आयरन ओर की जो कीमत है वो करीब 150 रुपए प्रति टन बढ़ा दी है, और अब एक ब्लॉक डील्स पर नजर कर लेते हैं। शोभा पर ब्लॉक डील हुई है 497 पर, करीब 26 लाख शेयरों में सौदा हुआ है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी आज ब्लॉक डील्स हुई थी, जहाँ पे 255 में 35 लाख शेयर्स की यहाँ पे ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स करीब 203 रुपए प्रति शेयर पर यहाँ पे 12 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, और आखिर में पावर ग्रिड, जहाँ पे 202 रुपए प्रति शेयर पर करीब 9 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। देवांशी जरा चेक करो वापस, एनएमडीसी में बढ़ाई है घटाई है? घटाई होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे घटाई है। एनएमडीसी बढ़ाने की उम्मीद आपकी सही थी, उम्मीदें थी तो इसलिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक ये भी आया था कि 150 रुपए प्रति टन यहाँ पे कीमतें घटाई है। करेक्ट, बिल्कुल, तो उम्मीद बढ़ाने की थी, घटा दी है, ये हुआ है, ये बात सही है बिल्कुल। तो एनएमडीसी आज ये नेगेटिव खबर है इसके लिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग शो आज आपने किया है दोपहर में 12 बजे। हाँ, इंटरेस्टिंग तो था। हाँ। हमने वो जो रिसर्च किया कि ऑल टाइम हाई लेवल्स तो यहाँ पर लग गए निफ्टी। हाँ। के कितने दूर कितने पास, कितने दूर कितने पास। हाँ। सभी कंपोनेंट्स हैं क्या? हाँ। निफ्टी के जिन्होंने सपोर्ट किया इस बाजार की रैली को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो संदीप ने किया शो और डिम्पी ने किया था। हाँ। और सुमित बगड़िया जी भी थे, साथ ही सिद्धार्थ सिद्धानी साहब भी थे। हाँ जी, तो शो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं देख रहा था आपका, है ना लाजवाब। इनफैक्ट वो जो आइडिया था ना, वो भी ऐसे बैठे बैठे इस चीज को लेके आ रहा था कि अगर निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है तो क्या जो 50 स्टॉक्स हैं वो भी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं। उसके बेसिस पे एक्चुअली शुरू किया था, जैसे निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई टच किया तो जब डेटा निकालना शुरू किया, इनफैक्ट रजत मेरे साथ थे ही, तो लगातार हमने यही देखा कि निफ्टी ने जरूर रिकॉर्ड हाई टच किए हैं, लेकिन बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं निफ्टी 50 में जिन्होंने रिकॉर्ड हाई टच किए हैं। महज 12 ऐसी कंपनियां हैं सिर्फ 50 में से। अच्छा, और 38 कंपनियां तो दूर हैं, और जो दूर के परसेंटेजेस है ना, कितने दूर हैं वो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि 38 कंपनियों में से अगर आप औसत भी देखें ना, तो औसत कंपनियां 30-40% दूर हैं अपनी 52-week हाई या तो फिर ऑल टाइम हाई से। अगर आप देखें 24 कंपनियां ऐसी हैं, 24 शेयर ऐसे हैं 50 में से जो कि 20% से ज्यादा दूर हैं, और आप 4 शेयर अंदाजा लगाइए, 4 शेयर ऐसे भी हैं आपकी स्क्रीन पे सामने चल भी रहे हैं जो कि 50% से ज्यादा अपने रिकॉर्ड हाई से दूर हैं। 66% टाटा मोटर्स इस साल गिरता हुआ दिखा, इसके अलावा वेदांता 60%, सनफार्मा 60% और ओएनजीसी, ये तो अब रिकॉर्ड मुनाफा इस साल दर्ज कर सकता है इस तिमाही में, 50% ये शेयर भी गिरता हुआ दिखा। तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े थे। निफ्टी जरूर रिकॉर्ड हाई से टच कर रहा है, लेकिन 38 कंपनियां ऐसी 50 में से जो कि अपने रिकॉर्ड हाई से बहुत दूर है, और जो एवरेज बता रहा है 30-40% का है।
30-40% सर, ये 38 कंपनियां ऐसी हैं जो 30 बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, अपने रिकॉर्ड लेवल से बहुत नीचे हैं, और औसतन 30-40% तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि ऑल टाइम हाई लेवल से नीचे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है कि वो जो 12 ऐसे शेयर्स हैं जो अपने रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद करीब है, जिसमें निफ्टी को इस बार जो चढ़ाया है निफ्टी में, उन स्टॉक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। उसमें दो चीजें हैं मैं रजत, अगर आप देखें, पहली बात तो ये है कि आपको ट्विंस नजर आएंगे, एक ही सेक्टर की या एक ग्रुप की दो कंपनियां आपको नजर आएंगी, जिसमें मिसाल के तौर पर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस है, एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, और बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें चार कंपनियां हैं, इनफैक्ट इसमें आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक तो है ही है, एचडीएफसी बैंक भी है, और अगर आप इसमें एचडीएफसी को भी शामिल कर रहे हैं तो कुछ चार कंपनियां फाइनेंशियल स्पेस से अगर आप देखें जो कि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हुई दिखी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाईस के आसपास हैं अभी भी। इसमें रिलायंस का भी योगदान है और उसके साथ साथ टाइटन और यूपीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं। और एक चीज ये भी है रजत इसमें ऑब्जर्व करने वाली, एक तो ट्विंस हैं वो वाली बात तो है ही है, और दूसरी बात यह है कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज इंडेक्स में बहुत ज्यादा है बाकी जो 38 स्टॉक हैं उनके मुकाबले। तो जो ज्यादा वेटेज वाले जो स्टॉक्स हैं इंडेक्स में उनका ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, और जो कम वेटेज वाले हैं उनमें नहीं भी चाल बनी है, तब भी अगर आप देखें निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई टच कर लिए हैं। तो ज्यादा वेटेज ज्यादा चाल देखने को मिली है, उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि आज रिकॉर्ड हाईस बने हैं। अच्छा, इसमें से और फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में, रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद करीब, रिकॉर्ड लेवल्स ने रिसेंटली टच किया। इसके अलावा एचडीएफसी, जिसको हम बार बार फोकस में लेके आना चाहते हैं, और एचडीएफसी बैंक, दोनों में ही अच्छी तेजी, और साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनकी वजह से इस बार नए लेवल्स लगते हुए नजर आए। और एक और जहां पर इतनी गिरावट है, हम बोल रहे हैं टाटा मोटर्स में 66% अभी रिकॉर्ड लेवल से नीचे है वो स्टॉक, लेकिन हाल फिलहाल की जो तेजी है टाटा मोटर्स में, यानी कि ये भी अब कैचअप कर रहा है निचले स्तरों से। 66% हम बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई लेवल से नीचे है टाटा मोटर्स, लेकिन रिटर्न्स देखिए आप पिछले कुछ दिनों में जो टाटा मोटर्स ने डिलीवर किया, वेदांता, आप ये जो कह रहे हैं ना, ये जो रिटर्न्स बने हैं ना, आप टाटा मोटर्स देख लीजिए। खास तौर पे आपका ध्यान मैं लेके जाना चाहूंगा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, 40% ये स्टॉक अब भी नीचे है, और ये सब फैक्टर इन करने के बाद है, जो हाल फिलहाल तेजी बनी है ना रेट कट की उम्मीद में, उसके बाद देखिए ये स्टॉक 40% नीचे है अपने रिकॉर्ड हाई से। तो जो फैक्टर इन हो चुका है सारा, जो तेजी हाल फिलहाल हुई उसके बावजूद भी देखिए इन कंपनियों में गिरावट इतनी ज्यादा हुई है कि अब भी आप देखिए हाई से बहुत दूर रहेंगे। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, इसको कंसाइज कर दूं तो 50 में से सिर्फ 12 शेयर्स ऐसे हैं जो अपने रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद करीब हैं, और 50 में से 38 शेयर्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई लेवल से बहुत दूर हैं। इनफैक्ट रजत, एक चीज और कहना चाहूंगा, जब ये मैं सोच रहा था ना कि ये 50 कंपनियां हिट करी नहीं करी हैं, तो मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक थोड़ा तरीके से सोच रहा था कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है कि अगर निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे है तो ऐसी कंपनियां जो रिकॉर्ड हाई से दूर हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और बहुत ज्यादा पिट चुकी हैं किसी ना किसी वजह से, चाहे वो सेक्टर के इश्यूज हो, चाहे वो कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज हो, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है जो अच्छी कंपनियां हैं, क्या अभी भी उनमें खरीदारी करना है क्या, कोई टाटा स्टील, टाटा मोटर्स को आप देखिए ना, मैं उस लिस्ट को मैंने बढ़ाया नहीं, आप सोचे कि मैं ज्यादा नेगेटिव साउंड कर रहा हूं, इसलिए मैंने 40 स्टॉक्स आपको बताया और उसके बाद मैं रुक गया, फिर आप जो 52 वीक हाई या तो फिर जो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स हैं उनके ऊपर चले गए। इसमें देखिए इंटरेस्टिंग ये था राजा, देखिए जो दुनिया को चलाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो दुनिया की सेहत ठीक करते हैं, जिसमें फार्मा कंपनियां हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। टाटा मोटर्स तो था ही था, इसमें हीरो मोटोकॉर्प भी है जो कि 38% दूर है, और मारुति भी है जो कि 30% नीचे है अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से, और उसमें फार्मा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी 36% नीचे है, और इसमें सिप्ला का नाम भी है, ये भी अपने रिकॉर्ड हाई से 31% नीचे है। तो कई नामचीन कंपनियां निकला नहीं क्या बाहर? अच्छा, सेंसेक्स में से निकला है। ओके, आजकल कौन निकल जाता है पता नहीं चलता एक्चुअली। तो चलिए, ये है बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, मेरे ख्याल से सिप्ला निकल चुका है, मेरे ख्याल से बाहर नहीं है निफ्टी में अभी भी। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग बेहतरीन रिसर्च। तो अब सवाल यही है सोचने वाली बात कि आपको अगले साल के लिए जो पैसा लगाना है वो गिरे हुए स्टॉक्स में लगाना है या बढ़े हुए में लगाना है। आमतौर पर ये देखा गया कि जो एक साल का पिटा हुआ स्टॉक अगले साल में रिटर्न ठीक ठाक दे जाता है, तो यहाँ पर फंडामेंटली जहाँ शेयर आपको थोड़ा भी ठीक लगे वहाँ देख लें। एक बार इस वित्त वर्ष की शुरुआत में फिर से टाटा मोटर्स के ऊपर अगर आप कमेंट्री कर दें तो शायद चल पड़े, वैसे चल तो रही है दोस्तों। ना वो तो चल ही रहा है टाटा मोटर्स पे, तो सबसे ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई लेवल से यही नीचे निफ्टी में 66%। बिल्कुल, वर्स्ट इज ओवर भाव के हिसाब से भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, ये आप कह सकते हैं बस कि भाई न तो आपको 130 के भाव वापस दिखेंगे, नहीं 27,000 करोड़ का नुकसान, दोनों ही चीज़ें नहीं दिखेगी, इतना तो कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं। क्यों, ये बात ठीक है। चलिए, शुक्रिया संदीप, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च आपने हमारे सामने रखी। चलिए, लेकिन आज ये एक स्टॉक टूट रहा है, वो है अमर राजा बैटरी, और इसमें खबर यह है कि गाला और जॉनसन कंट्रोल के साथ ने करार को खत्म किया है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने को मिल रहा है, 9% की भारी गिरावट
देखिए ये मुद्दा तो अपनी जगह ठीक है, हालांकि अभी भी इनको जो टेक्निकल असिस्टेंट है जॉनसन से वो मिलती रहेगी, लेकिन बाजार इस चीज़ को फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है कि जॉनसन का यहाँ पर जो 26% स्टेक है इस कंपनी का उस पर क्या होगा, क्योंकि जॉनसन ऑलरेडी कह चुका है कि वो अपना जो पावर कारोबार में है उसे बेचना चाहते हैं। 9% से ज़्यादा की गिरावट इस समय हमारा जब बैटरीज पर देखने को मिल रही है। एक बार राकेश जी आप ही देख के बताएं सर इसके चार्ट, ये आज कुछ मेजर लेवल्स ब्रेक हुए हैं, 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, और कितना टूट सकता है सर? देखिए रजत, इसने एक अहम लेवल 665 का एक अहम लेवल, एक इम्पॉर्टेंट वीकली सपोर्ट इसने तोड़ा है रजत, अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इन स्तरों के नीचे 660 के नीचे की एक डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तब रजत यहां पर 100 रुपीज का फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। तो 660-665 एक मेजर जोन है, अगर इनके नीचे की क्लोजिंग आएगी तो 100 रुपीज की डिक्लाइन देखने को मिलेगा मौजूदा स्तरों से भी। तो ग्वाला जॉनसन कंट्रोल के साथ करार खत्म होने का ये बड़ा असर, लेकिन ये करार क्यों खत्म हुआ, खत्म होने के मायने क्या है, नुकसान क्या होगा, कंपनी को क्या दिक्कतें हैं? 22 साल पुराना एग्रीमेंट पुरानी पार्टनरशिप टूटी है, तो कुछ न कुछ तो बात है। वो बात क्या है और क्यों शेयर होल्डर्स को परेशान करी, बस कुछ ही देर में जी बिजनेस की रिसर्च टीम एक्सक्लूसिव और पूरी रिसर्च आपके सामने लाकर रखेगी कि आखिरकार हमारा राज्य में ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक की एकदम हालत हो गई है खराब, बैटरी हो चुकी है डिस्चार्ज में, तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा एक साइड साथ साथ देख लेते हैं कि जब सेक्टर का एक स्टॉक 10% नीचे हो तो दूसरा स्टॉक भी संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर भी हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन ये तो हमारा राज्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक साइड का तो बेचारा कोई लेन देना नहीं है इसमें, वो गिरा लगे साथ देने के हिसाब से अलग बात है, ठीक है साथ साथ गिरेंगे साथ साथ बढ़ेंगे टाइप वो होता है ना, बट प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा राजा की है इस वक्त। ओके लेकिन एक साइड पे भी चार्ट्स पे एक राय ले ली जाए। हाँ, और ये स्टॉक भी 2% नीचे है, तो कुणाल जी बताइए 2% नीचे अभी अपॉर्चुनिटी है 210 के लेवल पे या फिर इसको अभी अवॉइड किया जाए जिस रफ्तार से गिर रहे हैं स्टॉक्स अभी? देखिए इस काउंटर में भी रजत, देखिए लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं, एक साइड में एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना और अभी आप देख रहे हैं आज भी कमजोरी है, हालांकि अमर राजा जितना कमजोर ये नहीं दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 205 रुपये पर बड़ा सपोर्ट है, 212 का भाव है, तो मुझे लगता है और 4-5 से 7 रुपये की गिरावट की गुंजाइश और दिखती है। 205 इसने तोड़ा तो गिरावट और गहराएगी, तो मेरी राय में खरीदारी की तो कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है पुरानी पोजीशन है अभी तक नहीं काटी है 205 का स्टॉप लॉस है। अच्छा मैं ये गिरने वाले स्टॉक शुरुआत में इसलिए लिया क्योंकि निफ्टी पे भी अब लाल निशान में आके कामकाज करना शुरू कर दिया, 11,712 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है, ऊपरी जो बढ़त थी वो गवा दी है और साथ साथ निफ्टी बैंक रह गया 14 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स मात्र 41 पॉइंट ऊपर। जो सबसे ज्यादा गिरा है वो है बीपीसीएल, इस स्टॉक को दिखाइए 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईओसी दूसरे नंबर पर जहाँ पर 2% इंडेक्स में ये नीचे है और गेल यहाँ पर भी 2.5% के आसपास की गिरावट है, यानी कि ऑयल एंड गैस इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो बीपीसीएल राकेश जी बताएं 4% नीचे है 365 के लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए रजत यहाँ पर एक नेगेटिव क्रैक देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने 375 की एक नेकलाइन को तोड़ा है और टेक्निकली यहाँ पर गिरावट गिरा सकती है। मुझे लगता है रजत यहाँ पर 356-357 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस 373 पर लगाना चाहिए और यहाँ पर ये एक बिकवाली का कैंडिडेट है। लेकिन एक स्टॉक है वो है मारुति सुजुकी, कुणाल जी आप देख के बताएं सर, ये अब पहुंच गया 7,000 के लेवल के ऊपर, हम रोज के बारे में बात करते हैं कि 6600 के लेवल पे आइडेंटिफाई किया हुआ स्टॉक 7,000 के लेवल के ऊपर निकला है, 7,042 टू बी प्रिसाइज, ये और कितना चढ़ेगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर टारगेट इसका क्या निकल रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए 150 रुपये और चढ़ना चाहिए रजत इससे पहले कि रुक जाए, मुझे लगता है कि 7200 के आसपास एक बहुत स्टिफ और बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि कई महीनों से टूटा नहीं है, तो मुझे लगता है कि 7200 के आसपास तो मुनाफा बांधना ही चाहिए। आज अच्छा मोमेंटम है, आप देखिए बाजार ऊपरी स्तरों से नीचे आया बावजूद उसके मारुति अपने गेंस को होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 7200 तक जा सकता है और उन स्तरों के आसपास जितना करीब उसके एग्जिट करें उतना बेहतर है, लेकिन 7200 पार होगा तुरंत इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करने की राय रहेगी। जहाँ पर दबाव आ रहा है उसमें एक बार बैंकिंग भी दिखाइए कि करके अभी जो स्टॉक्स जो हैं ये भी वीक होने शुरू हो गए हैं और खासतौर से जो सरकारी खेमा है वहाँ पर पिछले कुछ दिनों की तेज़ी अब मुनाफा वसूली इनफैक्ट अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सिंडिकेट बैंक ये है 4.25% नीचे, यूनियन बैंक पर भी 3.5% से ज़्यादा की गिरावट हो रही है और पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी 2.5% से 3% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तमाम PSU बैंक इंडेक्स के जो स्टॉक हैं वो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। राकेश जी देख के बताएं सर, पंजाब नेशनल बैंक
सिंडिकेट, यूनियन, एसबीआई, ठीक क्रेडिट पॉलिसी से पहले सभी स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पर? देखिए रजत, डेफिनेटली पीएनबी, सिंडिकेट, सारे बैंक जो है, पीएसयू बैंक क्रेडिट पॉलिसी से पहले नीचे आ रहे हैं। बट रजत, इनमें नीचे से एक बड़ा रनअप देखने को मिला था और जिस तरीके से पीएसयू बैंकिंग का रुझान है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक करेक्शन है और करेक्शन पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, स्पेसिफिकली यूनियन बैंक में और बैंक्स लाइक कैनरा बैंक, जहाँ पर मुझे लगता है कि करेक्शन के बाद दोबारा से एक अपमूव देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली देखिए रजत, आज हमने निफ्टी ने एक नया हाई लगाया है, बट अभी नया हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है और जिस दिन क्लोजिंग आएगी तब दोबारा से पीएसयू बैंकिंग स्पेस फ्लेवर में आएगा, तो गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। साथ ही साथ जैसे भी हमने बात की कि बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई लेवल पे काम काज कर रहे हैं, इसमें एक स्टॉक है बजाज फिनसर्व, ये आज गिरते बाजार में भी अपनी पकड़ जो है वो और मजबूत करता चला जा रहा है और अब देखिए आप 2% के आसपास के रिटर्न दिन के उच्चतम स्तर पे, 7400 के लेवल, इंडेक्स को भी आज संभालने की कोशिश है बजाज फिनसर्व की। कुणाल जी, देख के बताएं सर, स्ट्रक्चर बेहतर है, बेट लगाई जा सकती है कि तेज होगा या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? देखिए दो ये काउंटर हैं बजाज ट्विंस के, बजाज जो कि कैसा भी बाजार हो लगातार आउट परफॉर्म करते आए हैं, हल्का सा एनबीएफसी में स्पार्क आता है नहीं है कि काउंटर्स नए हाइस बनाते हैं। बजाज फिनसर्व में बहुत ही बेहतरीन तेजी हम देख रहे हैं और 2 सत्र पहले जब ये 7000 के आसपास था तब मैंने इस पर खरीदारी किराए दी थी, अगले दिन टारगेट हासिल हुए और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नए हाइस बनाए हैं इसने, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 7650-7700 के लेवल्स भी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, जिनके पास लॉन्ग है होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड करें, घबराए नहीं, बजाज फिनसर्व में दोनों ही स्टॉक हैं मजबूत और तेजी से ऊपर की तरफ आते भी हैं। एक और स्टॉक है वो है जेट एयरवेज, जो आज हमने फिर से शॉर्ट करने की राय दी थी स्टॉक ऑफ द डे में, आज यहाँ पर बिकवाली की राय थी और टारगेट स्टॉक ऑफ द डे के मेरे ख्याल से 245 तक के टारगेट थे, 255 और 245 दो टारगेट नीचे के दिए गए थे। ओह ये तो सर नहीं, फ्यूचर नहीं, कैश, कैश, कैश में दिए गए थे। कैश का लेवल बताइए, कैश का लेवल है जेट एयरवेज में इस वक्त 251 के आसपास। जी हाँ, जेट एयरवेज का नीचे का 255 और 248 तक नीचे आया है। जरा इसके चार्ट पर अपनी राय दीजिए कुणाल जी, क्या करना है जेट एयरवेज में? फ्यूचर में थोड़ा कम गिरा है, कैश में 5% नीचे। नहीं जी, देखिए कैश और फ्यूचर के चार्ट में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखें तो उसमें एक सपोर्ट नज़र आता है और ये सपोर्ट जो है वो 230 रुपये के आसपास 229 पर दिखता है। मुझे लगता है कि गिरावट तो थोड़ी और गहरा सकती है, लेकिन 229 पर बड़ा सपोर्ट है, वो लेवल्स वायलेट नहीं होंगे। फिलहाल के लिए इस काउंटर को इससे दूरी बना के रखें तो बेहतर है। वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ गई है यहाँ पर और दोनों तरफ के मूव्स बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें। 229 के ऊपर बिकवाली का ट्रेड करना चाहिए और 260 रुपये के ऊपर ही अब इसमें नई खरीद करनी चाहिए, इन लेवल्स पर अवॉइड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर खबर भी तो यही थी कि अगर ये अपने नॉर्म्स जो हैं, नियम, उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 20 उड़ाने कम से कम इनको घरेलू उड़ानी है, 120 जो फ्लाइट्स हैं उनकी ऑपरेशन होनी चाहिए घरेलू फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे, तभी जाकर ये एलिजिबल होते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भर पाएं। और अभी सुबह से अटकलें लग रही थी कि 15 या 20 से कम ही यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है उनके घरेलू उड़ान भर रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो एक खबर आई है कि जेट एयरवेज 28 प्लेन उड़ा रही है फिलहाल। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन आई है। लोअर लेवल से हल्की रिकवरी देखने को मिल गई, लेकिन ओवरऑल डैमेज तो आज ऑलरेडी हो चुका है, 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यह भी क्लैरिफिकेशन है कि जेट एयरवेज फिलहाल 28 प्लेन उड़ा रही है घरेलू फ्रंट पे, तो एलिजिबल है, क्योंकि आज एविएशन सेक्रेटरी का भी बयान आ गया था कि हम इनकी इंटरनेशनल जो ऑपरेशन है उसकी समीक्षा करेंगे कि क्या ये प्रॉपर तरीके से उड़ाने भर रहे हैं कि नहीं भर रहे डोमेस्टिक फ्रंट पे, तभी जाके एलिजिबल होते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भर पाएं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 उड़ाने भर रही है जेट एयरवेज फिलहाल और सबसे कम एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली कंपनी घरेलू फ्रंट पे बनी है, लेकिन अभी तक का तो यही अपडेट है कि 28 प्लेन जो है कंपनी कह रही है कि फिलहाल उनके ऑपरेशन है डोमेस्टिक फ्रंट पे, 5% स्टॉक है नीचे, तो दिक्कतें तो ऑलरेडी बढ़ती चली जा रही है। 245 ये था अल्टीमेट टारगेट, उसके भी बेहद करीब पहुंचने की कोशिश जेट एयरवेज की होती दिख रही है, 248 तक तो पहुंचा ही। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे का ये एक और स्टॉक है जो सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। और दूसरा था रेमंड्स, आज का हीरो, जो ऑलरेडी अपना दूसरा टारगेट हासिल कर चुका है 845 का। एविएशन स्टॉक्स में सब जगह हालत बड़ी खराब है। मैरी को एक और स्टॉक था स्टॉक ऑफ द डे, जहां पर हमने आज खरीदारी किराई दी थी 356 के टारगेट के लिए, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सील लगा दी जाए क्योंकि ये खुले ही 356 के ऊपर था। तो जिस तरह से कल आइशर मोटर्स हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रिगर हुआ, हमने कहा कि नहीं ये सेल कॉल नहीं है, ठीक उसी तरह मैरी को आज हमारे दूसरे बाय टारगेट के ऊपर खुला हुआ, इसलिए ये बाय कॉल भी
खारिज होता है, जब लोग ले ही नहीं पाए तो क्यों। पर बात भी तो वही होती है ना, जब टारगेट तो बहुत कंजर्वेटिव टारगेट देते नहीं, एग्रेसिव तरीके से। मैनेजमेंट की कमेंट्री इतनी स्ट्रांग थी क्वार्टर फोर में जो उन्होंने पेश किया, तो एग्रेसिव टारगेट। बात आपकी सही है, देखिए मैंने टारगेट क्या दिया था 356, तो आप देखो पूरा दिन भर तो 57-58 के आसपास ही निकाल दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं ना 365-70 हो गया, और तो टारगेट के आसपास ही रुका हुआ है बेसिकली। ठीक है, बट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बार REC देखना होगा सर, REC में एकदम से खरीदारी हुई है, ये कुल मिलाकर 3% चढ़ गया, और अभी मूव जो है वो 1% 1.5% के आसपास का है, और ये दिन के उच्चतम स्तर पे लोअर एंड पे आया था, फिर से निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली है। तो कर्नाल जी चार्ट्स देख के बताएं सर, 151-152 के लेवल पे रेडार पर आ रहा है, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए दोनों काउंटर्स PFC REC ब्रेजर चार्ट पर मजबूत दिखते हैं, REC विशेष रूप से मजबूत है, 150 का लेवल वापस से इस काउंटर ने पार किया है। एक का जो रिसेंट हाई है वो 155 से थोड़ा नीचे 154 के आसपास है, 154 पे कुछ कंजेशन इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आता है, 154 का भाव इसने निकाला तो फिर ये नया हाईस बनाएगा, और यहाँ पर भी आपको 165 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। REC PFC सारी अटकलों के बावजूद अगेंस्ट डायरेक्शन चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि नए हाईस बनाएंगे, तो जिनके पास है बने रहे, नई खरीद भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। आज जो तेजी बनी है उसमें एक DLF को भी शामिल कर लीजिए, हालांकि ये तेजी शुरुआती तेजी थी, उसके बाद पूरा ही दिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है स्टॉक में, लेकिन अब लोअर एंड से फिर से सुधरने की कोशिश है, और 205-206 के जोन पे अभी भी काम कर रहा है। राकेश जी बताएं 206 के लेवल पे, सुबह से डिस्कस बहुत बार हुआ है DLF इस चैनल पे, लेकिन कंजर्वेटिव टारगेट से बता दीजिए क्या देखने को मिल सकते हैं DLF पे? देखिए रजत, ना सिर्फ सुबह से डिस्कस हुआ है, मैंने और कुणाल जी ने इस पर एक बाय कॉल भी दी थी, और हमारा एक शॉर्ट टर्म टारगेट 210 का था, वो अचीव हुआ है रजत। टेक्निकल रुझान बढ़िया है, स्टॉक 220-225 की तरफ जा रहा है, अगर करेक्शन में स्टॉक 202-203 के अराउंड मिलता है तो उन स्तरों पर बाय किया जा सकता है। 202-203 के आसपास फिर से लीजिए, 210 का टारगेट हो चुका है हासिल। कल पहले आशु जी ने दिया, फिर कुणाल जी राकेश जी ने भी दिया, कल भी दिया, आज भी दिया, लगातार का खरीदिए खरीदिए खरीदिए, और खरीदते खरीदते 210 पहुंचा दिया। लेकिन एक स्टॉक जो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, मजबूत बाजार मजबूत तो नहीं, अब तो प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी स्टॉक है काफ़ी नीचे, और वो है अमरा राजा। अमरा राजा के स्टॉक में क्यों है 8% से ज़्यादा की गिरावट? बैटरी डाउन क्यों है? डिस्चार्ज क्यों है? फ्यूज़ क्यों है? शब्द जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए, लेकिन शेयर का भाव 50 रुपये, हाफ सेंचुरी मार के आ नीचे। हाफ सेंचुरी से याद आया रेज, आज तो बढ़िया मैच है, चेन्नई मुंबई, चेन्नई जीतेगी मुंबई में भी, आपको ये पता है वानखेड़े में? पता नहीं, आपको बता दें, चेन्नई जीतेगी, जीतेगी। चलिए रजत का अनुमान चेन्नई का है, वैसे तो मैं भी जब तक धोनी है ना तब तक चेन्नई की टीम को ही सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, धोनी के चक्कर में पड़े हो क्या आप भी? एक फैक्टर, एक ही पैरामीटर, और उसी पर ही पूरी चेन्नई। कैप्टन कोल। तो आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुंबई में है, लेकिन प्रॉब्लम है वेडनेसडे को वीकडे में 8-12 वाला मैच देख नहीं सकते। अच्छा, नहीं देख सकते वैसे भी, प्रॉब्लम नहीं। अरे वानखेड़े में जाकर, अरे हाँ टीवी की बात थोड़ी करें, वानखेड़े में जाकर देखने का मजा अलग है, वो मुश्किल है। फिर सुबह सुबह 5 बजे कैसे उठेंगे शो करना? टिकट्स तो फिर भी आप जुगाड़ लगा सकते हैं, मिल जाए, लेकिन नहीं। ये आपने कैसे रिलेट किया अमराजा बैटरी से? मैं कुछ इसमें थोड़ा डाउट्स हो रहा था, हम बात कर रहे थे अमराजा बैटरी की, और आप एकदम से ले आए उसको वानखेड़े स्टेडियम में, चेन्नई में, समय में नहीं आया बात में आइए। लेकिन अमरा राजा की बैटरी क्यों है डिस्चार्ज, ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ है। पूजा, क्या हो गया अमरा राजा को? अमर राजा में पहले तो हम आपको खबर बता देते हैं कि खबर क्या आ रही है और गिरावट की वजह क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। खबर ये है कि गाला परिवार और जॉनसन कंट्रोल के बीच का जो शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट है वो अब खत्म हो चुका है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब गाला परिवार जॉनसन कंट्रोल से जो 2% स्टेक है वो खरीद लेगा, और जॉनसन कंट्रोल की हिस्सेदारी 26% से घटकर 24% ही रह जाएगी। ये कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं कि शेयर होल्डर एग्रीमेंट अब खत्म हो चुका है, यानी कि जो कंट्रोल रहेगा वो गाला परिवार के पास आ जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में इतनी गिरावट इसलिए है क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जॉनसन कंट्रोल का ये जो 24% स्टेक है ये किसके पास जाना है, क्योंकि नवंबर 2018 में जॉनसन कंट्रोल ने अपना पावर बिजनेस बेचने की घोषणा की थी। तो अब ये माना जा रहा है कि जो भी नई एंटिटी को वो पावर बिजनेस बेचेगी वो ये स्टेक खरीद सकती है, इस तरीके का डर बना हुआ है। और एक और भी वजह है, जब हमने पीछे का प्रेस रिलीज देखा तो अमरा राजा की तरफ से इस तरह का अनाउंसमेंट या इस तरह का डिस्क्लोजर नहीं दिया गया था कि जॉनसन कंट्रोल इस तरह कोई कदम उठा रहा है। तो ये जो तमाम वजह है इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक डर बना हुआ है जॉनसन कंट्रोल के 24% स्टेक को लेकर। तो ये 24% स्टेक अगर बिकता है
जॉनसन का, कोई और कंपनी आती है तो इनके टेक्नोलॉजी टाइप्स हैं इस कंपनी के साथ. पर अभी क्लैरिफिकेशन तो थोड़ा ये भी है कि ये टेक्नोलॉजी टाइप्स हैं, ये जारी रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो फिर ऐसा बावजूद टूट गया पूजा, ऐसा डर क्या है फिर? अच्छा दूसरा ऐसा, ये 20-22 साल का पुराना रिश्ता है, तो ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जॉनसन कंट्रोल से जो कि अचानक से बैटरी नहीं बना पाएंगे? फाइन प्रिंट तो है और ऐसा कुछ नहीं है अमरा राजा अब इस वक्त, क्योंकि 1997 से इन दोनों के बीच टाइप था. लेकिन अब धीरे धीरे अमरा राजा के पास भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उनके पास भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो जॉनसन कंट्रोल से ऐसा सच उनको जरूरत नहीं है. लेकिन डर ये सिर्फ 24% स्टेक को ही लेकर हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार इस पर डरा हुआ है कि इसको लेने के लिए कौन सी कंपनी एंटर करेगी. लेकिन इस पर ये भी क्लैरिफिकेशन आ रहा है जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि कंट्रोल गाला फैमिली के पास ही रहेगा. अच्छा ओके इंटरेस्टिंग है. लेकिन अगर कोई नया आएगा तो भी, कोई नया आएगा तो आदमी कोई भी इन्वेस्टर स्टेक कब खरीदेगा? जब उसको कंपनी में आगे अच्छा पोटेंशियल दिख रहा हो, कारोबार बढ़ने वाला हो, तब तो कोई खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा? और कोई आएगा तो मजबूत प्लेयर ही आएगा. देखो क्या होता है फिलहाल. हाँ तो पूजा क्या कुछ हो सकता है इसमें? ब्रुकफील्ड का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है. जो भी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं वो उसमें ये हो रहा है कि जॉनसन कंट्रोल अपना जो स्टेक है वो शायद ब्रुकफील्ड को बेच सकती है. लेकिन ब्रुकफील्ड तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है ना, तो वो तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है नहीं, खाली पैसे लगाएगा. टेक्नोलॉजी वगैरह तो उनके पास है, जॉनसन कंट्रोल के पास है. अच्छा तो ये चिंता है कि पैसे आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? रजत ऐसे ही है टेक्नोलॉजी. वैसे करार इनका जो म्यूचुअली एग्रीमेंट हो रखा है उसमें करार जेसी के साथ है ही और वो बना ही रहेगा. ये तो सिर्फ अभी बातें चल रही है, वो अपने पावर बिजनेस को बेचना चाहता है जेसी, तो उसके बाद ये जो 24% का स्टेक है अगर ये भी बिक गया तो इसको लेकर क्या होगा? और आप जो बोल रहे हैं प्राइवेट इक्विटी प्लेयर अगर आ गया ब्रुकफील्ड, तो वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द लाइन यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट है, वो कैसे संभालेगा इतने बड़े ऑपरेशंस को? तो ये कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करार है उस पर थोड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है, उसके कारण हमारा राजा बैटरी पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है. 24% स्टेक, इसको लेकर अभी बातचीत होगी. शुक्रिया पूजा पूरा अपडेट देने के लिए. खतरा तो एक चीज पर और मंडरा रहा है, वो है BTSTT कॉल्स. मेरे को लगा आप निफ्टी बोलोगे, दिन के निचले सर पर लग गया. खतरे में कोई कॉल्स आ नहीं रहे. हाँ लेकिन वो आए ना आए, मेरी निफ्टी की स्ट्रेटेजी तैयार है, आप जब चाहे लेना, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ. हाँ वैसे इस शो में अभी तक BTSTT कॉल्स नहीं आए क्योंकि तेजी की कॉल्स आ रही थी और एकदम से बाजार लग गया दिन के निचले स्तर पे, तो आप ये प्रॉफिट बुकिंग हो गए. तो BTSTT से पहले एक बार देखते हैं निफ्टी की स्ट्रेटेजी और ये एनएलजी की स्ट्रेटेजी आपके सामने. पहले बजाइए बिगुल. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं यूएस मार्केट्स पर. सिलसिले वार तरीके से यूरोपियन मार्केट्स और साथ साथ रुपया और क्रूड भी होगा आपके सामने. डाउ फ्यूचर्स आधे फीसदी की तेजी शो कर रहे हैं अनिल जी, और नैसडैक जो उसमें भी आधे फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है. ये तो है इंटरनेशनल व्यूज. बता दो कि MPC पॉलिसी जो है RBI पॉलिसी वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी. दिन के निचले स्तर पर है निफ्टी. इसके अलावा कैक डैक्स और फुटसी यहाँ से क्या क्यूज निकल के आ रहे हैं ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. यूरोपियन मार्केट्स तेज हैं जहाँ पर तेजी 1% के आसपास की है, और डैक्स सबसे तेज चलने वाला इंडेक्स है. हम आमतौर पर फुटसी बात करते हैं कि वहाँ पर तेजी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कैक और डैक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. इसके अलावा दिखाइए क्रूड, क्योंकि ये तो हो रहा है 70 को टच. इसमें तो नो डाउट यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और ये 70 के लेवल के बेहद करीब ब्रांड जो है वो कामकाज कर रहे हैं. इसके अलावा रुपया बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में मजबूत हुआ, अभी भी मजबूती देखने को मिल रही है. मजबूत रुपया होने के बावजूद बाजार दिन के निचले स्तर पर लग गया. निफ्टी बैंक है 100 पॉइंट नीचे और निफ्टी दिन के निचले स्तर पर यहाँ पर प्रॉब्लम बन रही है. तो इसको आप प्रॉब्लम माने या अपॉर्चुनिटी, निचले स्तर से खरीदारी होगी क्या क्रेडिट पॉलिसी से पहले, ये बताइए. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है, तेजी का है या मंदी का. तेजी का व्यू होगा तो अपॉर्चुनिटी है, मंदी का व्यू है तो बेचने का मौका है. लेकिन मेरा व्यू ये है, देखिए दो चीज़ें देखनी है आपको. पहली चीज, जब तक आप 11700 के नीचे हैं तब तक आप कमज़ोर हैं. वो इसलिए कि 11700 के नीचे आते 37 लाख शेयर हैं 11700 के पुट में, जिसमें से 25 लाख तो इसी सीरीज़ के जो कल एक्सपायरी होनी, और बाकी 12 लाख तो 25 लाख शेयरों का जो ये मामला है ना रजत, ये दबाव बना रहा है निफ्टी पर. लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जो सुबह मैंने आज कमेंट्री में कही है, 11625 से 11675 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है. 625 से लेकर 675 और 675 आ चुका है. तो पहला काम आपको ये करना चाहिए कि निफ्टी में यहाँ से खरीदारी की करनी चाहिए शुरुआत. अच्छा आपको लेने चाहिए 3 लॉट, 11675, 11650 और 11625 पर 3 जगह आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी. स्टॉप लॉस होगा 11600 का. ठीक है ठीक है, 11600 का स्टॉप लॉस, 3 लॉट आपने इकट्ठे किए और आपकी एवरेज आ गई 11650 की. अगर 3 आई तो, अगर 1 ही आया तो 11675 में ले लिया आपने, ठीक है, और 2 आया तो फिर अलग बात हो जाएगी.
अब आपको ऊपर का जो टारगेट रखना है बेचने का वो 11,700, 11,725 और 11,740, इन तीन लेवल पर तीनों लॉट आप वापस बेच दीजिए जैसे जैसे निफ्टी ऊपर पहुंचता है। तो नीचे आया है, डरिए मत, यहाँ पर खरीदना चाहिए हाँ, लेकिन डर तो रहना भी चाहिए, बाजार है, आखिरी एक घंटे में किसी भी तरह के मुंह दिखाता है। फिलहाल मैं इसलिए नहीं डर रहा कि अमेरिकी बाजार से कोई संकेत खराब नहीं है, फिलहाल मैं इसलिए नहीं डर रहा कि रुपया मजबूत है, फिलहाल मैं कच्चे तेल को देकर बहुत डर नहीं रहा हूँ, कल क्रेडिट पॉलिसी है, उम्मीद कोई खास खराब है नहीं। ऐसे में जब सपोर्ट लेवल के नज़दीक आया है, आप नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ऐसे तो डर हमेशा रहेगा, लेकिन सपोर्ट लेवल के आसपास आया तो 11,675 से 11,625 की रेंज में खरीदिए, 11,700 से लेकर 11,740 की रेंज में बेचिए, ये मेरी राय है निफ्टी पर, इस वक्त तेजी कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो तीन लॉट खरीदने 11,675, 650, 625, यहाँ पर एक एक लॉट का सौदा डाल दीजिए तेजी का, 11,600 का लगाइए एक स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट के तौर पर 11,700, 725 और 750 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल से फिर से खरीदारी होती है और सपोर्ट हो सकती है, सपोर्ट जोन के बेहद करीब कर रहे हैं कामकाज। लेकिन इस बार इस हफ्ते मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उतनी बड़ी परफॉर्मेंस निफ्टी और निफ्टी बैंक की नहीं देखने को मिल रही है, जिस रफ्तार से हम चले थे पिछले दो महीने में, इस बार थोड़ी सी थकावट जरूर महसूस हुई है। और कल आरबीआई की पॉलिसी भी देखने को मिल सकती है, बड़े हैं लेवल बड़े हैं तो यार रुकना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि आप हमेशा तेजी करोगे, ये कहाँ होता है, मतलब पिछले कुछ हफ्तों में लोगों की आदत ही नहीं रही कि लाल निशान में देखें बाजार को, ऐसा नहीं चलता, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। वो डर भी होता है प्रॉफिट में बैठे हैं तो एकदम से ऊपरी स्तरों पे थोड़ा टूट ना जाए, बिकवाली ना हो जाए, लेकिन ठीक है अभी तो, अभी के हिसाब से तो आपको लग रहा है 11,600 रेंज में है रजत, कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगड़ेगा कब, जब रुपया कमजोर हो, बिगड़ेगा कब जब कच्चा तेल 72 पहुंच जाएगा, बिगड़ेगा कब जब आरबीआई गवर्नर कुछ ना करे और बोले भी खराब, बहुत सारी चीजें होंगी बिगड़ने के लिए, तब जाके बिगड़ेगा, खाली ऐसे थोड़ी बिगड़ता है। होता है 11,761 जो आज का लेवल निकाल दिया एक बार, जिस आज के लिए निकाला था या फिर ये रहेगा आप तेजी में इस महीने में, सीरीज में भी रहेगा, रहेगा इस सीरीज में, क्या मतलब आज क्या हो गया, बुधवार गुरुवार, हाँ कल पॉलिसी देख लेते हैं, बट अदरवाइज इस सीरीज में इससे ऊपर के लेवल पक्के बनेंगे ये तो एक बार, इसलिए आज हम कह भी रहे थे कि देखिए 11,760 के ऊपर अगर आज बंद होता है तो 12,000 और 12,200 की तैयारी कीजिए। 11,760 के ऊपर अगर बंद हो, सुबह हमने कही ये बात की 11,760 के ऊपर क्लोज होने के बाद आपको 12,000 प्लस की तैयारी करनी चाहिए। ओके ठीक है, बट एनीवे निफ्टी में खरीदारी किराए निफ्टी बैंक, अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी लेना है आपको, बैंक निफ्टी लेने का तरीका बता दूं मैं आपको, 30,250 पहली किश्त यहाँ पे खरीदारी कीजिए, सारे स्पॉट लेवल 30,200 और 30,150 तीन किश्तों में आपको बैंक निफ्टी तीन लॉट लेने हैं, जिसको एक लेना है वो 30,150 पे लेगा, जिसको दो लोने लेने वो 30,150 30,250 पे ले, और जिसको तीनों लेने तो वो 30,300 पे भी 30,200 पे भी एक ले, तो तीन लॉट आपको खरीदने, क्लियर है, तो आपकी एवरेज एक तरह से 30,200 की हो गई। 30,050 थोड़ा दूर है स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट दूर हो जाता है एवरेज से, लेकिन 30,050 का स्टॉप लॉस लगाइए आप, खरीद लीजिए बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के लिए रजत क्या है कि 30,150 से 30,200 मजबूत सपोर्ट जोन है, उस रेंज के आसपास आए तो फिर खरीदना है, रुकना नहीं है, 30,050 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट जो आपका बनेगा 30,400 और 30,450 का, ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है। ठीक है, अभी ऑप्शंस डेटा क्या बता रहा है इसका, कहाँ पर, हाँ ऑप्शन डेटा अच्छा हुआ है, 30,300 के पार निकलने के बाद अच्छी खरीदारी आएगी, बिल्कुल वहीं पहुँच रहे हैं, और उसकी वजह कि 30,300 के पुट पे 500,000 शेयर है और उसको जैसे पार करेंगे आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी खरीदारी आने की संभावना है, लेकिन अल्टीमेटली इस वक्त 30,500 के ऊपर की तेजी में नहीं देख रहा है, इसलिए 30,450 30,500 अगर आ जाए तो वहाँ शॉर्ट भी करना चाहिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। देखिए 30,300 पर आ गया, बात करते करते 50 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया, बात करते करते 20 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया है, सपोर्ट जोन का खेल, मतलब जैसे सपोर्ट जोन के आसपास रिस्क लेनी पड़ेगी, आप वहाँ पे दिन के लो पॉइंट पे आके आप मूड बिगाड़ोगे, नहीं मैं नहीं खरीदूंगा ये तो खराब हो रहा है, दिन के लो पॉइंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में लेना चाहिए, तेजी का मार्केट है, कहीं कोई कंफ्यूजन ना करे, मैं बीच में एक दो दिन कर चुका हूँ 50-100 पॉइंट की मंदी के लिए, वो शॉर्ट कॉल देकर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ट्रेंड के साथ ही रहने का, और खास तौर से जब आपका टाइमिंग 2:30 बजे का ऐसा बन रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि भाई एकदम तेजी करने का ही टाइम आ रहा है और एकदम सपोर्ट लेवल पर भी आया है और आखिरी एक घंटा भी है डेटा का, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो अगर निचले स्तर पर मिल गया तो और भी बेहतर, लेकिन जो अभी रेंज है उसमें 30,250, 30,200, 30,150 एक एक लॉट डाल लीजिए निफ्टी बैंक के, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। जो टारगेट रेंज है वो 30,400 से लेकर 30,450 की है, निचले स्तरों पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी कर सकते हैं सपोर्ट जोन्स के आसपास।
एक पोल भी हमने किया था उसमें जो रेंज पोल है, पोल का क्या कहना है? उसमें जो रेंज निकल के आ रही है वो 11,750 से 11,800 की है, 45% जान का मारने तेजी पकड़ेगा ये। हालांकि 11,700 से 11,750 है ये भी 30% है, मौजूदा स्तरों से दोनों ही ऊपर के लेवल्स हैं और नीचे 11,700 के नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कल एक्सपायरी, अभी तक तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो मुनाफा वसूली है जैसे आप कह रहे थे सपोर्ट जोन के आसपास है और कल है एक्सपायरी का दिन तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। 11,700 से 11,800 के बीच में ही यहाँ पर रहेगी एक्सपायरी के दिन यहाँ पर निफ्टी, ये 75% जानकार अभी मान के चल रहे हैं। निफ्टी स्तर छूने की अपॉर्चुनिटी जो प्रोबेबिलिटी है वो इस बार बहुत कम है और 11,800 के ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी जो एक्सपायरी वाले दिन है वो भी बहुत कम है, 20% जानकारी मात्र वो समझ रहे हैं। लेकिन जो निफ्टी बैंक है वो भी लेवल्स जो आ रहे हैं वो 30,500 से 30,600 के ही आ रहे हैं, मौजूदा स्तरों से ऊपर के ही लेवल्स हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में जो दबाव बना है और खासतौर से यहाँ जो प्राइवेट बैंक्स में एकदम से दबाव बना है कल के सत्र में अगर हल्की से भी खरीदारी आई तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, पर फिलहाल जो रेंज निकल के आ रही है वो 30,500 से 30,600 की है जो 40% जानकार मान के चल रहे हैं। लेकिन बैंकिंग आज दिक्कत कर रहा है और एक स्टॉक है यस बैंक, ये भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ऊपरी स्तरों पर संभल नहीं पा रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स आज, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वैसा श्रीकांत चौहान जी भी इस समय मौजूद है, श्रीकांत जी बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर ये 275 के लेवल पे आ गया, ऊपरी स्तरों पर 1.5% तो मुनाफा वसूली आज और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स सभी का ऑलमोस्ट ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, यस बैंक पे क्या करें? करेक्ट, गुड आफ्टरनून। देखिए रजत, ये जो यस बैंक है उसमें अगर हम ओवरऑल एक्टिविटी को देखते हो तो वो काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड रैली हमें देखने को मिली थी। ये स्टॉक 158-160 के करीब ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लगातार विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन ये 280 के करीब आया हुआ था और आज चूंकि ओवरऑल मार्केट में ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी अच्छी एक बिकवाली देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक जो है वो कम से कम 265 जो इसके एक इम्पॉर्टेंट इक्विलिब्रियम लेवल के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि हमें जो भी बाउंस बैक यस बैंक में मिले उसे शॉर्टिंग बेसिस पे लेना चाहिए और टारगेट्स रहेंगे 265 के, थोड़ा अच्छा खासा ये करेक्ट हो सकता है बाकी बैंक्स स्टॉक्स के साथ। शिक्षा जी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर आप हमारा जो बैटरीज को छोड़ दीजिए और बाकी के स्टॉक्स देखना शुरू करोगे तो आपको बैंकिंग ही दिखाई देगा जिसमें सिंडिकेट, इसके अलावा यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट, अलाहाबाद बैंक, यहाँ पर डैमेज ज्यादा है। तो आज बैंकिंग जहाँ पर सबसे तेज मूव देखने को मिला था पिछले सीरीज में वहीं पर ही मुनाफा वसूली ज्यादा है और सभी स्टॉक दिन के निचले स्तर पर लग गए क्रेडिट पॉलिसी से पहले। बिल्कुल, लेकिन एक और स्पेस है जो दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रही है वो है तेल कंपनियों की, एचपी, बीपी, आईओसी, और कल भी और आज भी लगातार दो दिन से हम कहने के रुपए की मजबूती के बावजूद ये तेल कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग करने का, शॉर्ट करने का एकदम परफेक्ट लेवल है, वहीं से आप देखते हैं गिरते हुए भी नजर आते हुए आ रहे हैं। तो ये स्टॉक काफी तेजी से गिरे हैं और ऐसे में इनमें क्या करना चाहिए? एचपी सेल, बीपी सेल, आईओसी में से कोई शॉर्ट आइडिया है आपके पास श्रीकांत जी, बताइए। अरे जी मुझे लगता है कि इनमें भी काफी अच्छी बिकवाली देखने को मिल चुकी है, 405-410 के करीब BPCL ट्रेड कर रहा था, अभी वो ट्रेड कर रहा है 365 के करीब और इसकी जो ओवरऑल अगर आप पूरी रैली को देखते हो तो 310-315 से इसने रैली चालू की थी जो 405-410 के करीब जाके रोकी थी, तो 50% के करीब का करेक्शन BPCL में हो चुका है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसमें शायद एक कॉन्ट्रा बाइंग आ सकती है आने वाले एक या दो दिन में, तो करंट लेवल से इनफैक्ट BPCL को काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 360 के करीब करीब, तो इसे उस इनफैक्ट लेवल पे बाय किया जा सकता है और अगर किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन हो तो मुझे लगता है कि उसे अभी होल्ड कर लेना चाहिए, एक बाउंस बैक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। फॉर IOC अगर बात करें तो यस, IOC में थोड़ा करेक्शन और बाकी है, वहाँ पे हमें शायद 145 या 150 तक के लेवल्स मिनिमम देखने को मिल सकते हैं जो करंट लेवल से भी 3-4% के करीब का है, लेकिन ओवरऑल अगर सेटअप देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इनमें करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, करंट लेवल से शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। एक स्टॉक है OFSS, आमतौर पर चर्चा कम होती है और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर की, लेकिन आज निचले स्तरों से पलट गया, गिरते बाजार में स्टॉक में दिन के उच्चतम स्तर के करीब कामकाज हो रहा है और लगभग 3% के आसपास की तेजी पकड़े हुए। कुणाल जी एक बार देखिए इसका स्ट्रक्चर और ये जो 3500 के ऊपर निकला है बहुत समय बाद, जिनके पास इस पोजीशन से होल्ड करें या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? देखिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें अगर रजत इसको लंबा रखने का इरादा हो, इसमें ट्रेडिंग करना उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल काउंटर है और दूसरी बात इसमें डेरिवेटिव्स में उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी रहती नहीं है, तो मेरी राय में इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें, इसमें निवेश करें। मुझे लगता है कि 3400 पर एक बड़ा बेस OFSS ने बना लिया है, 3400 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है, थोड़ा पेशेंटली होल्ड किया जाए तो ये काउंटर 4000 के ऊपर शर्तिया जाएगा तो आपको एक बड़ा अपसाइड मिल सकता है, लेकिन पेशेंस यहाँ पर रखना होगा और थोड़ा सा जो होराइजन है वो थोड़ा सा लंबा रखकर फिर खरीदें।
ओके, तो थोड़ा सा लंबा व्यू रखकर आप करेंगे तो बेहतर होगा, ये राय है आपके लिए। ओके, एचडीएफसी लिमिटेड आज सुबह रिकमेंड किया था आपने, कुणाल जी ने किया था, किसने किया था, एक मिनट देख लो, राकेश जी ने किया था, आज का पहला कॉल था बीटीएसटी का, 2039 पे रिकमेंड किया था, अभी क्या चल रहा है फ्यूचर 2015 पे स्पॉट 2026-27 के आसपास है। राकेश जी एक बार कॉल आपकी रिविजिट कर ली जाए, क्या करना है इसमें, अभी भी मजबूत तो है 1%? देखिए अनिल जी, हाँ मजबूत अनिल जी, 2037-2038 के अराउंड रिकमेंड किया था, 2009 का स्टॉप लॉस है, और अभी अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड ही रखना चाहिए, टुवर्ड्स क्लोजिंग अनिल जी रिव्यू करेंगे, अगर बाई चांस स्टॉक 2020 के नीचे की क्लोजिंग दे रहा होगा तब निकलने की बात है, एल्स क्लियरली होल्ड है एज ऑफ नाउ। ठीक है, 2020 के नीचे निकलना है। चोपड़ा साहब, ये मॉनसून का अनुमान आपने देखा होगा, स्काईमेट वाले भाई साहब कह रहे हैं कि थोड़ा हल्का रहेगा इस बार, पिछले दो बार से भी बोल रहे थे, हालांकि मॉनसून तो अच्छा ही आया बाद में, कितना भरोसा करना है इन पर? गुड आफ्टरनून अनिल जी, जो मैं परसेंटेज पढ़ पाया हूँ वो करीब 93% की बात हो रही है। देखिए 5% का वेरिएंस तो वैसे भी होता है अनिल जी, अगर आप कोई भी पिछले मेरे ख्याल से 20 सालों का आप अनुमान उठा कर देखें तो 5% के वेरिएंस की बात तो की जाती है, यानी 95, तो बचा हुआ 2% की बात है, तो ये देखना होगा किस प्रकार से ये 2% की एडजस्टमेंट होती है, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क होता तो परसेंटेज अलग बताई जाती, मगर 93% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल अगर बोली जा रही है तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है अनिल जी, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इस बात को लिया है, इतने ऊंचाई पे स्तर पे बाजार के 30-40 पॉइंट झटकना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप भी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे लोगों को नीला देखने की आदत पड़ गई है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, और अगर बाजार को इसको नेगेटिवली लेना होता तो अच्छी खासी गिरावट आ जाती है अनिल जी, मुझे लगता है कि ये खबर एब्जॉर्ब हो रही है। चलिए ये खबर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही, कोई जल्दबाजी ना करें, घबराए नहीं। फर्टिलाइजर स्टॉक फिर अभी खरीद लें या एक दो अनुमान और देख लें, थोड़ा अपडेट आ जाए उसके बाद खरीद लें? मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, मार्केट्स वैसे भी एक करेक्शन हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अनिल सर देखिए इस लेवल से 11700 से 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी अगर निफ्टी कहीं थोड़ी बहुत करेक्ट होती है, प्रॉफिट करेक्ट नहीं कहूँगा, प्रॉफिट बुकिंग कहूँगा, होती है तो हम सब जानते हैं कि ये एक लाजमी करेक्शन है और होना भी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लें एक आध दिन, और संभवतः और कल क्रेडिट पॉलिसी भी है, हो सकता है कि ये बात खबर पूरी की पूरी अब्जॉर्ब होने के पश्चात आपको कल एक अच्छी खबर मिले, बाजार में और तेज़ी का आलम देखने को मिले, मगर आज मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाइए और आज बाइंग ना करें। क्यों, कल क्रेडिट पॉलिसी में क्या होगा, कुछ कॉन्फिडेंस कम है आपको कि ब्याज दरें घटेंगी? चोपड़ा साहब, नहीं क्या होता है अनिल जी की कहीं ना कहीं मार्केट ने इस बात को फैक्टर इन तो कर लिया है कि 25 पैसे का कट आएगा, अगर ये 50 पैसे का होता है तो मार्केट्स में बहुत हरियाली का आलम आ सकता है, अदरवाइज 25 पैसे का कट तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन है साहब। ओके, चवन्नी मार्केट में नहीं बोलते, चवन्नी आएगी है ना, चवन्नी बोलते ना, चवन्नी ओके, चवन्नी का कट आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है, और हर पॉलिसी से पहले ये सवाल उठता है, और हर पॉलिसी से पहले इस सवाल का जवाब देती है पूजा, वो बता देती है कि भी इस बार क्या होने वाला है। इस बार भी पूजा ने तमाम इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स के बीच में करवाया एक सर्वे और पोल, और उसमें जानने की कोशिश ये की है कि इस पॉलिसी में होगा क्या, बताने के लिए हमारे साथ तैयार है पूजा। पूजा बताइए, ब्याज दरें घटेंगी इस बार? जी, ब्याज दरें घटने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जितने भी इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स से हमने बात की, और सबका एक कंसेंसस ये बन रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती इस बार देखने को मिल सकती है, ये कहना है 80% जानकारों का यहाँ पर, वहीं 20% ये भी मांग के चल रहे हैं कि शायद इस पॉलिसी में कोई बदलाव ना दिखे, कोई कटौती ना दिखे, लेकिन आने वाले कुछ पॉलिसीज में कटौती देखने को मिल सकती है, लेकिन 80% जानकारों का यही मानना है कि कटौती देखने की पूरी संभावना है। अगला सवाल हमारा ये था कि इस पूरे वित्त वर्ष यानी कि FY20 में कितनी कटौती देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर करीब 67% जानकार कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट देखने की संभावना है, वहीं 33% जानकारों का ये भी मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% की कटौती इस बार एक्सपेक्टेड है FY20 में। अगला सवाल हमारा ये था कि RBI का जो रुख है वो किस तरह का होगा, जो टोन रहेगी वो किस तरह की होगी। वैसे तो जब हमने ये पोल करवाया था तब IMD का
जो बयान था वो नहीं आया था, जो आज आया स्काईमेट का, माफ कीजिएगा, जो बयान है वो नहीं आया था, तो कल की पॉलिसी में ये भी इंक्लूड किया जाएगा? और आने वाले समय में महंगाई को लेकर किस तरह के बयान आते हैं इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन 33% जानकार का यही मानना है कि नर्म रहेगा, वही 67% जानकार के कह रहे हैं कि न्यूट्रल से नर्म के बीच आरबीआई का जो टोन है वो देखने को मिल सकता है। अगला सवाल हमारा था रेट ट्रांसमिशन को लेकर, क्योंकि आरबीआई अब रेट कट करना शुरू कर देगा तो आने वाले समय में, क्योंकि एसबीआई ने पहले ही अपने लोन रेट को रेपो रेट से जोड़ दिया है, तो क्या हमारा अगला सवाल यही था कि इसको आगे पॉलिसी ट्रांसमिशन करने के लिए क्या कुछ और बैंक्स भी इस तरह कदम जल्द ही उठाते हुए दिखाई देंगे? कुछ क्लियर कंसेंसस तो नहीं आया है, लेकिन इस पॉलिसी में ये भी एक अहम मुद्दा होगा जिस पर कि आरबीआई कुछ बयान दे सकती है। अब की फोकस एरिया कहाँ होंगे, तो पहला तो ये कि लिक्विडिटी को लेकर क्या बयान आता है इस पर नजर रहेगी, आज जो स्काईमेट का बयान आया उसके बाद महंगाई को लेकर क्या आउटलुक होता है आरबीआई का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखना होगा, और एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट्स को लेकर भी क्या कमेंट्री आती है आरबीआई की तरफ से, ये भी काफ़ी अहम होगा कल की पॉलिसी में देखना। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट्स होंगी आरबीआई गवर्नर की जो इंपॉर्टेंट रहेगी स्प्रेड पॉलिसी में, लेकिन जो मोटी मोटी बात थी वो थी ये कि 0.25% की कटौती जो ब्याज दरों में हो सकती है, 80% जानकारी मान के चल रहे हैं, और FY20 के लिए भी अभी कटौती का सिलसिला और जारी रह सकता है, जिसमें 0.50% ये मान रहे हैं लगभग 67% जानकारी, यानी कि ये सिलसिला अभी और जारी रहेगा। हम मान सकते हैं कि लोन की ईएमआई और कम होगी यहाँ पर, और साथ ही साथ कम ब्याज दरों का सिलसिला भी देख ले लो, आपको लेना है लोन तो ले लीजिए, ऑलरेडी जिनकी है उनके तो पहले लोन दे रहे कम हो जाए किसी तरीके से, तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन ध्यान रहे, जितने खुश आप लोन की ब्याज दरों में कटौती को लेकर हो रहे हैं, वो बाद में कम होती है, डिपॉजिट पर पहले होती है, समझिए, तो फिर डिपॉजिट पर भी साथ साथ ब्याज दरें कम होंगी, वो भी रिस्क है। तो जिन लोगों का, और खासतौर से ये समस्या सीनियर सिटीजन्स के साथ ज़्यादा आती है, क्योंकि वो बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और उनके ब्याज में कमी होती है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल वाला मामला हो जाता है। यंगस्टर्स ये बात को पसंद करते हैं कि इनके लोन की ब्याज देने कम हो रही, तो वही सोच रहा था, मैं तो वही फील कर रहा था कि देना कम पड़े, आए थोड़ा कम, बीच वाले एज में हो ना, मैंने तो रिटायर्ड वाली एज में हूं ना, मैं यंगस्टर वाली में, मैं बीच वाली में, इसलिए मैंने बैलेंस व्यू दिया, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, कम कम मिलता जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, लेकिन जो देना पड़ता है ना लोन की ईएमआई, वो बस बहुत पिंच करती है, तो सही है, वो तो गया तो गया, जो ही मैं गई वो तो कभी वापस आनी नहीं, यहाँ तो डिपॉजिट पे कम भी ब्याज दर मिल जाएगी तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स आज मूड खराब कर रहे हैं बिल्कुल, और ₹100 मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली ही है। अच्छा, एक स्टॉक एकदम से रडार में आ गया, ये एक मैं अभी डेटा चेक कर रहा था और बीएससी से निकला, वो सीमेंस में आज तेजी है स्टॉक में, सीमेंस का चार्ट और ये दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो श्रीकांत जी एक बार देखिए सीमेंस यहाँ पर तेजी अभी और बढ़ सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, लगभग 3% के आसपास का तेजी गिरते बाजार में स्टॉक में देखने को मिली। यस सी रजत, वैसे कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी रिलेटेड सेक्टर या स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी हमें तेजी देखने को मिली, और मुझे लगता है जो उनके मंथली पैटर्न्स बने हैं उसके बेसिस पे आने वाले कुछ महीनों तक हमें काफ़ी अच्छी तेजी इन सभी में देखने को मिलेगी, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक एक ओवरबॉट स्टेटस तक पहुंच चुका है। अच्छा, यहाँ से 1185 या 1190 के मैक्सिमम टारगेट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी पिछले कुछ दिनों पहले 1100 के करीब था, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग का एक फॉर्मेशन बन सकता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, प्रॉफिट ले लेना चाहिए, और अगर करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन आने वाले दिनों में अगर 1080 या 1100 के करीब अगर इसे लेके जाता है तो इसे बाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक डेली बेसिस पे एक फॉर्मेशन बना है वो बना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बना है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें बुलिश कंसोलिडेशन हुआ है, और ये स्टॉक 1300 के करीब आने वाले कुछ महीनों में जा सकता है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस है, लेकिन करंट लेवल से शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना मुझे लगता है कि एडवाइजेबल नहीं है। ठीक बात है, और थोड़ी देर में हम आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बताएंगे, लेकिन किसमें, प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट, अच्छा, और वो होगा RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका IPO आज बंद होने वाला है, आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं वो हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं, और वो है पिडिलाइट, 1.5%, फेविकॉल का मजबूत जोड़, बंसल जी 1.5% मजबूत है, 1284, 14% आज ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, अच्छी पोजीशन बनने के संकेत दिख रहे हैं, खरीदना है क्या आपको? नहीं अनिल जी, ये स्टॉक में देखें तो ब्रेकआउट नीचे में 1209-1210 के अराउंड हुआ था, और 1200 के अराउंड कुणाल जी ने भी एक यहां पर खरीदारी की राय दी थी, 1270 के एक बड़े टारगेट के लिए वो टारगेट्स अचीव हुए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है किसी ने नीचे लिया है तो इन स्तरों पे मुनाफा बांधना चाहिए, नहीं खरीदारी तो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म नजरिए से इन स्तरों पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन तेजी एक और स्टॉक में है, नेस्ले, इनफैक्ट आज के सत्र में गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स सारे FMCG ऊपर थे,
तो निचले स्तरों से पलटे हैं ये स्टॉक, बहुत ज्यादा गिरावट के बाद अब खरीदारी देखने को मिल रही है। तो नेस्ले एक बार देख के बताएं कुणाल जी, ये तेज होगा क्या? अभी फिलहाल ये पहुंच गया है 11,000 के लेवल के ऊपर, तेजी और हो सकती है? देखिए रजत, बिल्कुल तेजी हो सकती है। नेस्ले में भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया 1800 के ऊपर। धीमी गति से चलने वाला शेयर है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से 11400 की ओर बढ़ रहा है, तो इन स्तरों पर भी बाय कर सकते हैं। 10800 पर एक स्टॉप लॉस रखें और 11400 11400 का लक्ष्य होना चाहिए। तो पैटर्न बना है, बिल्कुल बाय करना चाहिए। ओके, पैटर्न बना है, बाय करना चाहिए, लेकिन बाय करने का एक मूड बनाया था सुबह सुबह आज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक में डिम्पी ने, और वो स्टॉक उड़ रहा है आसमान में। एनी आइडिया? आसमान में उड़ रहा है, उड़ने वाले स्टॉक्स ग्लोबल वेक्टर देखिए जरा भाव एक बार, ग्लोबल वेक्टर का एक बार भाव दिखाइए और यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। कैश पिछले चुनाव के वक्त इसका भाव 19-20 रुपए चलता था, 19-20 से 75 रुपए हो गया, तो उन्होंने बोला क्या इस बार 75 से 150 हो जाएगा, और स्टॉक देखिए 20% ऊपर सर्किट मार्केट ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत खुलता ही लग जाता है, खुलता ही लग जाता है। और मुझे नहीं पता है सुबह ब्राय बंसल जी ने दी थी या कुणाल जी ने, दोनों में से किसी ने तो दी होगी। और लॉजिक सिंपल है, चुनाव के वक्त ना बहुत सारे इनके प्लान्स यूज होते हैं, किराए पे विमान किराए पे देने का कारोबार करती है। सुना इसके बारे में आपने? नहीं, वैसे कंपनी के बारे में पता है, लेकिन ऐसा कुछ उसका बिजनेस है वो मुझे पता नहीं। चार्ट मजबूत है, काफी बिटन डाउन स्टॉक है और चार्ट मजबूत हुए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों में, पिछले इनफैक्ट एक महीने से हमने मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी है। इसमें दो महीने से हो रही है, वैसे दो महीने से अच्छी खरीदारी, दो महीने से देखी है। प्लस उसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मोमेंटम उन्हीं स्टॉक्स में बना है जहाँ पे किधर ना किधर कोई ना कोई कैपिटल गुड्स या इंफ्रा से रिलेटेड है, या तो किसी पीएसयू से रिलेटेड है या डिफेंस से रिलेटेड है। भारत फोर्स में हमने अच्छी तेजी देखने को देखी थी, तो समय मुझे लगता है कि वही एक पैटर्न बना हुआ है, शायद और कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज के सत्र में तेज होता हुआ नजर आया, उसमें एक स्टॉक है GICRE, आमतौर पर चर्चा कम होती है स्टॉक की, लेकिन कुणाल जी आपको ही देखने होंगे चार्ट्स, और ये पहुंच गया 264-265 की रेंज पे। GICRE, यहां पर एक्शन अभी तेज हो सकता है क्या इस स्टॉक में? देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है रजत, आज एक बड़ा वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पर 260-61 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जिसको अभी अभी काउंटर ने पार करके 263 का भाव अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि आज के बंदी के भाव का इंतजार करना चाहिए। अगर आज ये 260 के ऊपर क्लोज देने में सफल होता है तो फिर 280 तक का एक मोमेंटम बन सकता है, तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत अग्रेसिवली बढ़ करके बाय करने की राय नहीं, लेकिन 260 के ऊपर एक क्लियर क्लोज आए तो बाय करने में हर्ज भी नहीं। साथ ही साथ आईटी स्टॉक्स का दिन तो नहीं है, लेकिन एक स्टॉक टिका हुआ है सुबह से, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, 355 के लेवल पे फिलहाल यहाँ पर हो रहा है ट्रेड। तो कैश मार्केट पे राकेश जी, सोनाटा कैसा लग रहा है अभी आपको? जिन्होंने भी पोजीशंस ली हो आज, वो कर ले मुनाफा वसूली, क्योंकि हाई लेवल पे थोड़ा सा नीचे तो अब आ गया है स्टॉक, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए रजत, काफ़ी बढ़िया टेक्निकल रुझान है और स्टॉक ने 350 रुपये के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। बिल्कुल आपने ठीक मेंशन करा रजत, ऊपरी स्तरों से नीचे खिसका है, बट मेरा ऐसा मानना है रजत, किसी के पास अगर समय दे सकता है कोई तो क्लियर होल्ड है, और गिरावट में अगर 349-350 के लेवल्स मिलते हैं तो वो बेहतरीन स्तर होंगे नई खरीदारी करने के लिए। 340 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ पहला टारगेट 380 का बैठता है, बट गिरावट में खरीदें। कुणाल जी, राकेश जी देश ये जानना चाहता है कि आप BTST कॉल कब देंगे, क्योंकि बाजार में अब बहुत ज्यादा निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं, 36 पॉइंट से गिरावट, कोई सेल कॉल ही आई होगी सर ऊपरी स्तरों पर, तो दबाव बढ़ता ही चले जा रहा है मार्केट पे। देखिए रजत, बड़ा पशुपेश है, देखिए बाजार अप ट्रेंड में है और इंट्राडे ट्रेंड जो है वो बेरिश है, तो ना खरीदते बनता है ना बेचते बनता है, तो खोज जारी है। हाँ, ये सब ठीक है, हम पूछते चले जा रहे हैं स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खोज जारी है। चलिए एक स्टॉक एक और निकालने की कोशिश, आप तो फिर भी बोल रहे हो खोज जा रही है, बंसल जी तो कुछ बोलते नहीं, बंसल जी आपका क्या जा रही है? देखिए अनिल जी, मैं एक छोटा सा अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अनिल जी क्रूड पे एक खरीदारी की राय दी थी, तब क्रूड का भाव 4055-4060 था, उसकी रोल ओवर कॉस्टिंग 50 रुपए की थी, और अनिल जी हमने अपने क्लाइंट्स को क्रूड में प्रॉफिट बुक करने की राय दी है, और मैं यही व्यू यहाँ पर भी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को फॉलो करते हुए क्रूड को खरीदा है वो क्रूड में मुनाफा बांध के अब आराम से बैठे। क्यों, और बढ़ेगा नहीं क्रूड? देखिए अनिल जी, क्रूड में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेजी से कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिस एक्सपेक्टेशन से मैंने लिया था वो एक्सपेक्टेशन अनिल जी फुलफिल हो चुकी है, तो अपना अपना हाजमा देख के काम करना चाहिए। मैं तो अनिल जी सेटिस्फाइड हूँ, जो भी अपमूव देखने को मिला है मेरी समझ से
मुनाफा बांध के साइड में बैठना चाहिए, दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज शायद मिलेंगी तो वहां पे देखेंगे। ठीक बात है। मुझे खाली इतना बता दो कि कच्चा तेल बेहतर की तरफ जा तो नहीं रहा ना बंसल जी? देखिए अनिल जी, मेरे को जाने को अनिल जी जा सकता है, बट मुझे लगता नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अनिल जी काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल्स हैं हमारे यहाँ भी इंडियन रुपीस के प्राइसेस में भी और डॉलर में भी, और लगता नहीं है कि $3-4 का अपमूव क्रूड में देखने को मिलेगा मौजूदा स्तरों से। ओके चलिए ठीक है, लेकिन इस बीच बाजार दिन के निचले स्तरों पर आया, थोड़ा और कमजोर हुआ है। पहली बार 11,675 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है हमने, और पहली बार 30,200 के नीचे बैंक निफ्टी पर आज ट्रेड करना हमने शुरू किया, तो दोनों ही अहम लेवल के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी। तो देखते हैं आखिरी आधे घंटे में क्या कुछ कमजोरी बढ़ती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कमजोरी बढ़ रही है मार्केट में वो ठीक है, लेकिन बाहर कहीं कोई संकेत है क्या खराबी के? पहले रुपया और उसके बाद अमेरिका के फ्यूचर्स, ये दो चीज़ें देख लें और एक बार अपने आप को तसल्ली दे दें कि भाई हम अपनी वजह से अपनी मर्जी से गिर रहे हैं। 30 पैसा उल्टा रुपया मजबूती हुआ है 3 पैसा जब से हमने शो शुरू किया 68.45, तो करेंसी से कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा तेल बंसल जी बोल रहे हैं कि अब वो प्रॉफिट बुक कर लो, मतलब तेजी की संभावना कम दिख रही है। अमेरिका के फ्यूचर 100 पॉइंट प्लस ऊपर थे, 111-115 कुछ देखे थे, अभी भी वही है। तो ऐसे तो कोई समस्या है नहीं सिवाय एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और मुझे याद है परसों भी ऐसे ही हो रहा था, प्रॉफिट बुकिंग हुई और नेक्स्ट डे सीधा गैप से खोल दिया। ये तेजी के बाजार में पता नहीं वापस गैप से खुलेगा ऊपर या क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच नितिन जी भी आएंगे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देने के लिए, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि जो ऑप्शन उन्होंने पहले कहे हैं उनमें क्या करना है, कहीं कोई फ्रेश खरीदारी करनी है तो वो भी बताएंगे। अच्छा, लेकिन हमने बताया था पहले नतीजे का पहला पोल जो होगा बताइए वो आपके सामने पेश करेंगे, संदीप इस समय डिटेल रिसर्च लेकर आए हैं और नजर में रहेगा जीएम ब्रूरी जो सबसे पहले नंबर्स करता है रिपोर्ट, ये नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए संदीप मौजूद है। संदीप बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नंबर्स रजत, क्योंकि जब ये नंबर्स आएंगे तो पूरा जो लिकर स्पेस है इसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। हमारा ऐसा अनुमान है जैसा आपने Q3 में भी देखा था, इस बार भी नंबर्स इनके वीक देखने को कमजोर रहेंगे, खास तौर पे मुनाफे के फ्रंट पे 27% के आसपास ही गिरावट इनके मुनाफे में इस बार देखने को मिल सकती है। आय जरूर 7.5% के आसपास बढ़ेगी क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड है लगातार हम देख रहे हैं कि इनके जो सेल्स है उसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि मांग बहुत अच्छी है, तो इस बार भी हो सकता है 7.5% के आसपास इनकी जो आय है उसमें इजाफा देखने को मिले। लेकिन दिक्कत की बात है ऑपरेशन फ्रंट पे, जो कामकाजी नंबर्स हैं वहाँ पे दिक्कत आपको नजर आएगी। देखिए जो इनका कामकाजी मुनाफा है बिड्डा महर 2% के आसपास ही बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि जो लागत है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। मोलासेस इनका की रॉ मटेरियल है, आपने पिछले क्वार्टर में देखा होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स में भी चिंताएं उभरी थी मांग को, ये कच्चे माल को लेके, वैसा ही कुछ इंपैक्ट इनके नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि कामकाजी मुनाफा आय से कम बढ़ेगा, 2% के आसपास ही रहेगा और मार्जिन में करीब करीब 0.5% के आसपास का डिप देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इस बार ऊंचा बेस है, एक तो अदर इनकम का 6.5 करोड़ का वो घटेगी और साथ ही साथ Q4 अगर आप देखें जनरली रजत इनके लिए हाई टैक्स आउटगो वाला क्वार्टर रहता है, तो एक तो टैक्स का आउटगो बढ़ेगा और दूसरा जो अन्य आय उसमें कमी देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ मार्जिन कमजोर हैं, तो नेट नेट ये होगा कि 27% मुनाफा गिरकर महज 18 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। सिक्वेंशली जरूर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नंबर्स में आ सकता है मुनाफे के फ्रंट पे, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे इस बार फिर हो सकता है कि एक कमजोर तिमाही कंपनी रिपोर्ट करे। अभी तो कमजोर तिमाही आने वाली है और हम लिकर स्टॉक्स देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में नहीं चल पा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 27% के आसपास मुनाफा जो है वो कमजोर रहेगा, घटकर आएगा, फिगर एक्सपेक्टेड है 18 करोड़ की। मंथ ऑन बेसिस पे ठीक है लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक है, लेकिन अगर बाय एंड बाय बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर 27% का ड्रॉप है और 7.5% आय बढ़ेगी, लेकिन बात वही है कि मार्जिन पे दबाव पड़ जाएगा और टैक्स आउटगो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और ये जब नंबर्स रिपोर्ट करता है तो उसके बाद या तो 10% ऊपर वाला खेल है या 10% 20% ऐसे चाल चलता है जीएम ब्रूरीज और बाकी के लिकर स्टॉक भी साथ साथ चलने का दम रखते हैं और टूटने का भी दम रखते हैं। बिल्कुल, और इस बीच 33,150 कल के लोज को बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, तो फ्रेश बिकवाली के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और ये आखिरी मिनटों में जो बिकवाली हो रही है थोड़ी सी परेशान करने वाली है। हमने तो वो बाय ऑर्डर डाल रखे 11,650 भी कहाँ है अभी, तो 650-652 है अभी भी, ये दिन का लो पॉइंट है, 11,625 अगला सपोर्ट है। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर हुआ है निफ्टी के मुकाबले में, यहाँ 0.5% की कमजोरी है। क्या 30,000-30,050 की रेंज में सपोर्ट लेगा बैंक निफ्टी? अनिल जी आज देखा जाए तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं ना
उनको काफ़ी अच्छी तरीके से कंफ्यूज करा के लाइक पिछले दो या तीन दिन से अगर आप देखोगे तो फॉर्मेशन में कभी डाउनवर्ड जा रहा था कभी ऊपर जा रहा था मार्केट, और फाइनली जो फॉर्मेशन बना है वो एक क्लियरली एक डाइवर्जेंस वाला फॉर्मेशन बना हुआ है। कल के लो के करीब हम ऑलरेडी आ चुके हैं निफ्टी में, और आज हमने 760 का ही सेम हाई किया है साइकोलॉजिकल लेवल। तो करंट लेवल से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग अभी यहाँ से जो फर्स्ट सपोर्ट करेंगे वो करेंगे 11,600 के करीब एज पर निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो वहाँ पे भी एक लाइक तीन चार दिनों से, इनफैक्ट हमने पिछले एक्सपायरी में एक बात की थी कि 30,650 के करीब ये बैंक निफ्टी जा सकता है, जो उस दिन नहीं गया था लेकिन एक दो दिन के बाद गया था। अभी जो करंट में सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 30,050 से लेकर 29,900 के रेंज में, तो 29,900 के भी लेवल्स आ सकते हैं क्योंकि फॉर्मेशन में उतना एक डाइवर्जेंस या तो एक वीकनेस बना हुआ है, बट वहाँ से मुझे लगता है अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल से प्रॉब्लम ये हो रही है हमारी, जैसे भी हम बंसल जी से यार इनसे बात कुणाल जी से बात कर रहे थे, तो कल क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, आज जो मैक्सिमम वीक है या तो जिसमें बेरिशनेस समझ में आ रहा है वो सब बैंक स्टॉक्स है, वहाँ पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी गिर चुके हैं या तो कल पॉलिसी है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है यस, बैंक निफ्टी जो है वो 30,050 से लेकर 29,900 के रेंज में शायद देखने को मिल सकता है। ब्रॉडली मुझे लगता है 29,900 के लेवल्स दिख सकते हैं और वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओके, 29,900 ठीक है, 29,900 तक की जगह बन रही है बैंक निफ्टी में, देखते हैं यही सपोर्ट लेता है या यहाँ से फिर रिकवर होने की कोशिश करता है। लेकिन एक और स्टॉक है जो बढ़िया मजबूत होता दिख रहा है वो है REC, अब भी मजबूत है अच्छा खासा और कमज़ोर बाजार का कोई असर नहीं। जब से सरकार की हिस्सेदारी REC में जो PFC को बिकनी थी बिक चुकी, डील पूरी हो चुकी है, इसका जब से ऐलान हुआ तब से REC वन साइड नॉन स्टॉप तेजी दिखा रहा है। चोपड़ा साहब अब क्या करना है 150 के पार निकलने पर? मुझे लगता है अनिल जी बहुत शानदार स्ट्रक्चर है और नेगेटिव प्राइस इन है तो रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव है। मेरे को तो लगता है कि यहाँ से भी आपको 160-165 के लेवल पे जाता दिखेगा REC, और कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, और ऐसे बाज़ार में भी यदि कोई स्टॉक खड़ा हुआ है तो एक बार ये 160-165 क्रॉस करता है तो हो सकता है आपको फिर ये 180 के स्तर पर दिखे। तो बिल्कुल अगर फ्रेश भी लेना चाहता है तो आज नहीं, मैं फिर बोलूँगा कि एक बार गिरावट हो जाने दीजिए तो कल आप इसमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर में आपके सामने होगा बैन से बेनिफिट, कुछ स्टॉक जो बैन में एंटर कर सकते हैं या फिर जो बैन सूची से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले BTSTD का एक बिगुल बजाइए और उसके बाद चलते हैं श्रीकांत जी के पास जो बताएंगे अभी की कॉल कौन सी आ रही है। फाइनली श्रीकांत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ऐसे लग रहा था कि निकल जाएगा, जंग लग गया था, मतलब कल तो हो सकता अगर आज नहीं बचता तो कल काम करना बंद कर देता। नहीं अनिल जी, कैसा है ना कि पॉलिसी डे होता है ना, तो पॉलिसी डे के एक दिन पहले हमेशा ऐसा कंफ्यूजन वाला मार्केट होता है जिसमें कॉल्स बनाना काफी मुश्किल होता है। हिम्मत करिए कुछ खरीदवा दीजिए, वैसे ऐसा लग रहा है खरीद के जाएं कुछ। एक तो खरीदना है डेफिनेटली। अच्छा, जैसे देखिए आप हीरो मोटर्स में हमने मारुति में जैसे हमने अच्छी तेजी देखी है, 6,500 के करीब था जो उसके मल्टी सपोर्ट से, वहाँ से 7,100 के करीब आना यानी काफी बड़ा एक अचीवमेंट बोल सकते हैं हम लोग मारुति के लिए। सिमिलरली मुझे लगता है कि हीरो मोटर्स में एक फॉर्मेशन बना हुआ है, इसमें भी डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है और स्टॉक काफ़ी स्टेडी है। इनफैक्ट आज के इतने बड़े सेल ऑफ में भी ये वीक स्टॉक काफ़ी मजबूती से खड़ा है, तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे में काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना है रिवर्सल का, और जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 2,660 के, करंट लेवल से कुछ 2,585 एज पर कैश, और जो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉसेस रखने हैं वो रखने हैं स्टॉप लॉसेस 2,560 के। करंट लेवल से हीरो मोटर्स 2,660 ये हमने सीरीज के पहले दिन भी हमने भी खरीदारी की राय दी थी जब इसके मंथली सेल्स नंबर्स आने थे उससे पहले, कि नंबर्स उतने बुरे नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, और इसी वजह से हीरो मोटोकॉर्प में देखे नंबर के बाद एक भी बार गिरावट आई नहीं, गिरावट नहीं, उल्टा खरीदारी हो रही है, धीमे धीमे ही हो रही है लेकिन हो रही है। तो चलिए तेजी तो बन रही है हीरो मोटोकॉर्प में हल्की फुल्की। और एक जो स्टॉक जो सेलिंग साइड पे है वो है गैस बिगुल के साथ बाजार, या ये BTST में या वैसे BTST तो बिगुल बजेगा, बिगुल बजेगी। बताइए सर। ये स्टॉक लेकिन सेलिंग साइड पे है, ये आइडिया गेल गैस अथॉरिटी, करंट लेवल्स 350-352 के करीब के है, इसे शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन बना है, और जो आज के पॉजिटिव न्यूज़ थे IGL के लिए मुझे लगता है कि वो निगेटिव न्यूज़ है गेल के लिए,
तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 343 के, 343 के, और स्टॉप लॉस रहेंगे 355 के करीब के। बस ₹3 का स्टॉप लॉस, ₹3 का बीटीएसटी का कॉल है बस। ये काम अच्छा है क्या आपने? हाँ, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मजा आ गया। सिर्फ ₹3 के स्टॉप लॉस में गेल बेच दीजिए, बहुत बढ़िया, रिस्क कम है। 343 तक नीचे आ सकता है, ये गेल पर राय है आपकी। ओके, नीचे आ भी रहा है और 30100 के नीचे भी बैंक निफ्टी आया है, जो देखते हैं 30050 जो फाइनली 30050 की सपोर्ट जोन है वो रुक पाता है नहीं। 11650 के नीचे निफ्टी आया है दूसरा लेवल, अब आखिर फाइनली जो तीसरा सबसे अहमियत वाला लेवल है वो 11625 है, देखते हैं वहाँ पर पहुँचता है या नहीं पहुँचता। लेकिन डैमेज जो हो रहा है क्योंकि तेजी की पोजिशन का जो स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे वो 11625 है रजत। 11625 के नीचे अगर बंद होता है बाजार तो तेजी की पोजिशन कम करनी चाहिए, और बैंक निफ्टी पे तो लग रहा है कि आज वो ट्रिगर होइएगा। 30300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो तेजी की पोजिशन कम करनी चाहिए, तो तेजी की पोजिशन कम करने का वक्त बैंक निफ्टी में तो आ चुका है, इंट्राडे भी और ये भी क्लोजिंग बेसिस पर भी ऐसा लग रहा है। निफ्टी में देखते हैं, इंट्राडे तो 11650 टूट चुका है तो वो तो हो चुका है, लेकिन क्लोजिंग 11625 के नीचे अगर होती तो वहाँ भी आपको तेजी की पोजीशन कम करनी पड़ सकती है। आइए बैंक से बेनिफिट की तैयारी कर ली जाए, दवान से तैयार है तो आइए तो बजाते हैं बिगुल। बताइए देवांशी, कौन से स्टॉक्स हैं जो सूची में आ सकते हैं बैन लिस्ट में या फिर जो बाहर हो सकते हैं? बाहर तो अदानी पावर शायद ही जाएगा, क्योंकि आज भी यहाँ पे जो मार्केट वाइड पोजीशन वो 80% से थोड़ी सी ऊपर है, हल्की सी पोजीशन कटती है 80.76 है, हल्की सी अगर पोजीशन कटती है। लेकिन दो स्टॉक्स हैं जो अंदर जा सकते हैं, जेट एयरवेज और वोकार्ट फार्मा, दोनों की पोजीशन काफ़ी अच्छी बन चुकी है। जेट एयरवेज 118% तक की मार्केट वाइड पोजीशन, और वोकार्ट फार्मा भी देखिए आप करीब 97% है। तो जेट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये बैन लिस्ट में अब आपको दिखाई देगा, और वैसे ज़्यादातर समय जो पिछले सीरीज में बैन में ही था इस सीरीज में नहीं एंटर हो पा रहा था, लेकिन अभी आज के सत्र में गिरावट है तो हो सकता है कि ये आ जाए बैन। तो कर लें, जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हो वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें या कैरी कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशंस को नाल जी जेट एयरवेज में? देखिए मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है जेट एयरवेज की चर्चा हम पहले भी कर रहे थे रजत, मुझे लगता है कि अवॉइड करें बेहतर रहेगा, जिनके पास जो पोजीशन है एक बार के लिए निकल जाएं। हालांकि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लगती है, हालांकि खबरें बेहद ख़राब हैं, रोजाना हम नई खबर कोई बेरिश कोई नेगेटिव खबर सुनते हैं जेट को लेकर, लेकिन एक अच्छी बात अगर आप नोट करें रजत यह है कि काउंटर नीचे नहीं आ रहा है इन खबरों के बावजूद, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सपोर्ट जो है वो 220-22 के लेवल्स पर यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड आएगा इसकी संभावना चार्ट से कम दिखती है, अपसाइड आने की संभावना भी कम है और भी ज्यादा है, तो मेरी राय में एक बार के लिए दूर रहें, ब्रेकआउट आएगा तो फिर खरीदारी की राय दें। चलिए साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर अब राकेश जी आप देखिए वो है ग्रासिम, ये 3 दिन हो गए हैं ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और अब तो बिकवाली जो वो और बढ़ गई है सर, ये आ गया दिन के निचले स्तर पे ग्रासिम, शॉर्ट इनिशिएट करें या फिर वेट करें कोई हायर लेवल जिस पे दोबारा बिकवाली कर सकते हैं? नहीं देखिए रजत, शॉर्ट तो 820 के नीचे निकलेगा तब शॉर्टिंग के बारे में सोचना चाहिए, एज ऑफ नाउ तो शॉर्टिंग को अवॉइड करेंगे, ₹10 का ही डिफरेंस है तो शॉर्टिंग के लिए रजत थोड़ा वेट करेंगे, 820 के नीचे बिकवाली की राय रहेगी। ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी बीते अगर देखें 10-15 मिनट तो बिकवाली जो है वो हायर लेवल पे देखने को मिली है, तो सीमेंट पैक जो है वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हैं, ये देखिए दिन के निचले स्तर पे 1% के आसपास की कमजोरी, और इंडिया सीमेंट जहाँ पर भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली अक्रॉस द बोर्ड है अब सर, यहाँ पर कोई ऐसा FMCG को छोड़ दीजिए कोई ऐसा सेक्टर अब नजर नहीं आ रहा जहाँ पर मुनाफा वसूली नहीं हो रही, तेल गैस सीमेंट बैंक्स तो लीड कर रहे हैं आज बाजार की इस कमजोरी को, कमजोरी मतलब मुनाफा वसूली, तो अक्रॉस द बोर्ड है आज थोड़ा चिंता तो बड़ी है। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट कुणाल जी बताइए इस पे क्या किया जाए, 1% टूट चुका है स्टॉक। देखिए अगर अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देखें रजत, तो मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस था ₹4100 के आसपास, इस काउंटर में भी बड़ी तेजी बन गई, 4100 के लेवल से टकरा करके वापस से नीचे की ओर जा रहा है, कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड आएगा इसकी संभावना कम दिखती है, अपसाइड की संभावना तब तक नहीं बनेगी जब तक 4125 के ऊपर ट्रेड ना करे, तो जिन्होंने पहले का नीचे का खरीदा हुआ है और मुनाफे में है मुझे लगता है एक बार मुनाफा समेटने में बेहतरी है, क्योंकि 4125 टूटेगा तभी इसमें नया मोमेंटम बनेगा तो दोबारा खरीदने के मौके बनेंगे, इन स्तरों पर एक बार निकल जाने में मुझे लगता है समझदारी, चलिए निकल जाने में है समझदारी, और लग रहा है कि बाजार में सब कुछ हल्का होता हुआ दिख रहा है, तेजी की पोजीशन साफ तौर पर हल्की होने के संकेत आपको इस वक्त आते हुए नजर आएंगे, एक के बाद एक पोजीशन थोड़ी सी हल्की होती हुई दिख रही है, ये संकेत एकदम आपके लिए सामने साफ है। और
वोडा आइडिया एक और स्टॉक है, वोडा आइडिया वो एकदम से वो भी गया, हाँ 5% नीचे दिन के निचले स्तर पर दिखाई देगा आपको 1575। ये राइट्स इशू वाले भाव ही आ जाएगा लग रहा है नहीं, नहीं इतना इतना नीचे तो 12.5 ही तो है राइट्स इशू, बचा क्या है, बचा क्या है वैसे बात है। चलिए साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जो टूटे, इसमें मन्नापुरम ये एक्टिव था पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और उज्जीवन इस स्टॉक में भी बीते 15 मिनट का एकदम से दिन के निचले स्तर पे आके टकराया है उज्जीवन, तो ऊपरी स्तर पर बिकवाली फाइनेंशियल स्टॉक्स में, तमाम फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और BEML एक और स्टॉक आया है इसमें रडार पर, और यहाँ पर भी लगभग 1.5% के आसपास 1000 के लेवल के नीचे, BEML देख के बताएं एक बार यहाँ पर आप श्रीकांत जी, BEML अब 1000 के नीचे आया है, 1% कमजोर है, ये और टूटेगा क्या? देखिए वैसे BEML का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है करंट लेवल्स पे, बिकॉज कि मार्केट में काफ़ी बड़ी एक हमने बिकवाली देखी है, तो शायद स्टॉक में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो, या तो मे बी आज के जो मॉर्निंग कॉल मॉर्निंग के जो ट्रेड्स थे उनमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बिकवाली का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अदरवाइज ये स्टॉक वैसे काफ़ी स्ट्रांग है। यस करंट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा और वीक हो सकता है, 980 के करीब करीब ये जा सकता है, अभी 998 के करीब ट्रेड कर रहा है ये, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शायद सपोर्ट्स पे अगर इसे बाय करके चले तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो 980 के करीब इसे लॉन्ग किया जा सकता है। कुणाल जी हिम्मत करके कुछ मन्नापुरम या फिर उज्जीवन रेपको होम इन स्टॉक में किसी भी स्टॉक में बिकवाली करने की सलाह होगी कि सर फाइनेंशियल स्पेस में बिकवाली हो रही है अभी? रजत मुझे लगता है कि देखिए सभी में दिक्कत यह है कि गिरावट 2-3 दिन पुरानी हो गई है, जैसे अगर आप उज्जीवन का चार्ट देखें तो 3 दिनों से गिर रहा है और अब गिरावट के बाद एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल क्रेडिट पॉलिसी है तो बिल्कुल पॉलिसी में देखिए किस तरह का मोमेंटम बनता है। हालांकि देखिए पॉलिसी का कभी भी कोई बाजार पर कोई खास लास्टिंग इंपैक्ट नहीं होता है, पॉलिसी केवल कुछ मिनटों के लिए असर डालती है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड कभी पलटता नहीं है पॉलिसी पर, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कुछ वॉलिटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है, उसमें स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है, तो बजाय ट्रेड करने के मिस एडवेंचर करने के थोड़ा वेट करें, थोड़ी स्थिरता आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर बाय कॉल सेल कॉल देंगे। थोड़ी स्थिरता आ जाए फिर बाय सेल कॉल दें। तो एक स्टॉक चलने लग गया, एक बार टीसीएस पे एक बार नजर डालनी होगी कि टीसीएस का क्या यहाँ पर व्यू, एक बार शिकंद जी आप देख के बताइए ये वाला स्टॉक है, क्योंकि बाजार अब डिफेंसिव मोड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कैरी किया जाए दिन के स्तर पर, निचले स्तर से रिकवरी बहुत तेजी से देखने को मिली है स्टॉक में आज। बिल्कुल रजित, इनफैक्ट इन्फोसिस और TCS दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिली है, विप्रो भी हमें अच्छा लग रहा है, बट TCS जैसे कि आज के लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी बना चुका है और 2050 के करीब इसे काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, करंट लेवल से मुझे लगता है कि जैसे इसमें रिकवरी है और एकदम मल्टी रेजिस्टेंस के करीब खड़ा है, तो जो नेक्स्ट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर है वो है 2150 के करीब के, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, 2050 का स्टॉप लॉस रखें, 30 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस है और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ से 2150 के करीब के। एक चीज़ है इसमें खराब बाजार में जो एक स्टॉक हाई निफ्टी का हाई बीटा है वो है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये टॉप गेनर है वायदा कारोबार में, न सिर्फ निफ्टी में, मतलब ये तो रुकी नहीं रहा उल्टा चल रहा है, ऐसा क्यों, इसका जवाब कौन दे सकता है? कुणाल जी आप दे सकते हैं क्या? नहीं जी देखिए, लेकिन एक चीज़ नोट करनी होगी आपको कि ऊपर के लेवल से यानी कि 900 के भाव से थोड़ा नीचे फिसला है, मुझे लगता है कि 900 पर काफ़ी बड़ा कंजेशन और बिकवाली का दबाव है, तो हालांकि ये बात जरूर है कि आज जब देखिए सारे NBFC स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं ये होल्ड कर रहा है, लेकिन जब तक देखिए ये अब 880-885 के ऊपर क्लोज ना दे तब तक नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है 900 पर बड़ा सेलिंग है, तो इन स्तरों पर एक बार वेट एंड वॉच करें, नई खरीदना करें। आप कुछ कहना चाहते थे इस पे आइबुल हाउसिंग? अनिल जी सेम है, इनफैक्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी क्लियर था कि इसमें काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी तकरीबन 740-745 के करीब, जिसमें से शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रेंड बना था, और पिछले 2 दिन में भी जब मार्केट गिरा हुआ था या गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, कभी भी करेक्शन इंट्राडे में दे रहा था, तो सबसे पहले यही स्टॉक नीचे आ रहा था, और आज के दिन में जब मार्केट ने एक अपस्विंग किया था मॉर्निंग में, तो उसके बाद हमें वापस एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, लेकिन जैसे भी कुणाल जी ने बताया वैसे स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर है, बड़े फॉल का जो एक कंजेशन जोन है और जहाँ पे एक रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस भी आ रहा है मार्केट को या स्टॉक को, वो है 890 से लेकर 900 का, उसी के करीब करीब ये रुका है, तो करंट लेवल से मुझे लगता है इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग का फॉर्मेशन बन सकता है, एक करेक्शन आ सकता है और उस करेक्शन में इसे बाय किया जा सकता है करंट लेवल पे। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि अगर कोई पोजीशंस लॉन्ग हो तो उनमें भी हम मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि अगर करेक्शन आए तो ये 820 के करीब सेटल हो सकता है। विजय जी आपके रडार पर कौन से सेक्टर्स या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आप आइडिया देना चाहें बाजार में, क्योंकि आज करेक्शन है हायर लेवल पे, तो कोई स्टॉक खरीदने लायक है क्या अभी?
देखिए, मुझे टेक्नोलॉजी शेयर्स अच्छे लगते हैं। अगर आप बात करें तो TCS, अभी हमने रिसेंटली बात करी, मुझे लगता है कि 2150 की तैयारी कर रहा है। कुछ पावर कंपनीज़ हैं, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी हैं। इसके अलावा हेक्सावेयर है जो 360-365 पर ट्रेड कर रहा है, हेक्सावेयर बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। इसके अलावा टाटा स्टील है जिसने एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखाई है, 550 से थोड़ा नीचे जरूर आया है, बट मुझे लगता है कि ये 550 के ऊपर एक बार ट्रेड करना शुरू करेगा तो आपको 580-590 भी दिखेगा। तो मिक्स्ड बैग है, मेटल्स हैं, IT है जो मुझे फ़िलहाल अच्छे लगते हैं, और इन स्टॉक्स में सिलेक्टिव बाइंग की जा सकती है। तो सिलेक्टिव बाइंग आप कर सकते हैं, लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी पर डिस्काउंट और बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। डिस्काउंट नहीं, सॉरी, प्रीमियम 30,100 के आसपास इधर है आपकी कैश में, बैंक निफ्टी दोनों एक साथ दिखाएंगे 260 अंक गिरा हुआ, जबकि फ्यूचर में 30,318 यानी कि 220 पॉइंट की प्रीमियम चल रही है बैंक निफ्टी। माई गॉड, इतनी प्रीमियम! कल भी शो की शुरुआत कर रहे थे तो 180 पॉइंट की प्रीमियम थी। अच्छा, हाँ, 40 पॉइंट की प्रीमियम तो मतलब इधर नीचे गिरते गिरते बढ़ गई, तो प्रीमियम तो गजब बढ़े जा रही है। वही आई थिंक, मुझे लगता है जो क्रेडिट पॉलिसी है कल, उसी का वो जो एक फीवर होता है कि जिसके पीछे पोजीशन क्रिएट होती है, आई थिंक वही एक प्रीमियम है इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी, किसी कभी भी बड़ा इवेंट होता है तो इवेंट के साथ में पोजीशन रहती है। येस, नो डाउट कि एबनॉर्मल प्रीमियम है, और अगर ये प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता है तो इनफैक्ट ये दिक्कत की बात है, फिर ये करेक्शन इन्वाइट करता है। चलिए, लेकिन ये तो सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है जहाँ पर गिरावट आज के सत्र में ज़्यादा है, लेकिन हलचल जो है वो प्राइमरी मार्केट पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। और RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, सर करना क्या चाहिए? सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने स्ट्रॉन्ग तो अभी तक तो नहीं आ रहे, एटलीस्ट। हाँ, तो पैसा लगाना मिलेंगे, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर बड़े आ जाए तो अलॉटमेंट नहीं मिलता, लेकिन हाँ, कम सब्सक्रिप्शन होगा तो लिस्टिंग पर मुनाफा कम मिलेगा, शेयर ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि एक लोट तो आप चांस ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, खोने को तो कम है, 19 रुपये का स्टॉक है, 7,750 करोड़ की सेल्स करती है कंपनी, 500 करोड़ का मुनाफा करती है, 75,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है, सरकारी कंपनी है, रेलवे की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कारोबार है, तो रेलवे में ये सब कारोबार तो कम होने वाला है नहीं। बात इतनी कि सरकार शेयर बेच रही है तो कंपनी के पास कुछ पैसा जाएगा नहीं, ज़रूरत भी नहीं है वैसे कोई खास ऐसे कंपनी को। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर मुनाफे के लिहाज से एक चांस लिया जा सकता है, 19 रुपये का ऊपरी प्राइस बैंड है, उसी पर लगाइए, 50 पैसे का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, आपकी कॉस्ट हो जाएगी 18.5 रुपये। अगर 21-22 रुपये भी लिस्ट हो जाता है तो आपके 15-20% बन गए, 10% के ऊपर कुछ भी बने, और अलॉटमेंट अच्छा है तो बुरा क्या है। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने के लिहाज से पैसा लगाना चाहिए इस IPO में, तो आखिरी दिन है, आज पैसा लगा लीजिए। चलिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर पैसा लगाना है तो एक बार आप इस IPO को कंसिडर कर सकते हैं, ये है अनिल जी की राय। लेकिन बाजार में हाई लेवल पे आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग अब निफ्टी को ले आई है 11,640 के लेवल पे, यानी कि 73 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर, और सेंसेक्स पे लगभग 200 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक भी कमजोर है, 252, किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि 30,100 के लेवल को हम होल्ड कर लें, लेकिन आज के सत्र में डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMCs, HPCL, BPCL, IOC और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो आज दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक स्टॉक फिर से रडार पर आ रहा है, अभी जो मैं डेटा चेक कर रहा था वो है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, ऐसे ही होता है कुछ ऐसी नाम जहां पर डिस्कशन बहुत कम होता है वही एकदम से गिरावट वाली मार्केट पे सामने निकल के आता है, और ये देखिए 3% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीमेंस ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसमें भी एक्शन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। तो कुछ कुछ है शेयर, एक और स्टॉक जैसे आईबुल हाउसिंग की हम बात कर रहे थे, DHFL देखिए, DHFL भी 2% मजबूत है। तो कमजोर क्वालिटी के शेयरों में आज तेजी है, ऐसा नहीं कि खरीदारी वहां नहीं है, लेकिन सबसे बेहतरीन खरीदारी तो वही है जो आपको देखकर आनंद आ जाएगा, वो है मारुति, 7,100 के भी पार निकलता हुआ स्टॉक मारुति में जो तेजी बन रही है, और सिद्धार्थ जी बार बार देख देख कर खुश होते होंगे कि मेरे रिकमेंडेशन 6,600 रुपये करने के बाद मारुति ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। चलिए, लेकिन हाँ, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आप बोल रहे हो, DHFL HDFC मजबूत है, PNB हाउसिंग भी हल्की रिकवरी तो अच्छी खासी स्टॉक में दिखाई है, अब तो 1% बीते 15 मिनट में रिकवर हो चुका है। तो PNB हाउसिंग, कैनफिन होम्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेज है। IT सपोर्ट कर रहा है अब TCS में दिन के उस पर कामकाज, और एक स्टॉक है टेक सॉल्यूशन, हाल फिलहाल में बहुत तेज हुआ था ये स्टॉक, एक बार इसको भी दिखाइए, 1% के आसपास की मजबूती तो यहां पर भी देखने को मिल रही है। और ICICI लॉम्बार्ड, इस स्टॉक में भी अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, ICICI लॉम्बार्ड लगभग 2% के आसपास तेज है। तो इसी का स्ट्रक्चर देख के बताएं कुणाल जी, ICICI लॉम्बार्ड ये कैरी कर सकते हैं क्या कल के लिए?
जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है रजत, इस काउंटर पर मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी, हमने 10 की कमाई में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर खरीदारी की राय दी थी, जब भी मेरे ख्याल इसका भाव 920 रुपए के आसपास था, वहां से आप देखिए लगभग 10% की तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। अनचार्टेड टेरिटरी में अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ट्रेड कर रहा है और ऊपर के लेवल्स का प्रिसाइस आंकलन करना आसान नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 1100 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके पास पोजिशन है होल्ड करें, स्टॉप लॉस 985 रुपए पर अब रखना होगा। HCL Tech यहाँ पर भी आज के सत्र में लगभग 1% के आसपास की तेजी बनी, लेकिन बीते 15 मिनट में यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई डेटा इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं बना। हाँ ठीक है, अब कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स नचले सुरों से खरीदारी जरूर शो कर रहे हैं, जिसमें HCL Tech मान लीजिए आज के सत्र में तेज हुआ, TCS इसमें भी आज के सत्र में मूव पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया, लेकिन जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसमें अब आप नाम शामिल कीजिए यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑफ पिरामल एंटरप्राइजेस का, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव इनको 1-1% नीचे ले आया है। निफ्टी में अब देखते हैं एक्शन जो आज पूरा दिन बाजार का हुआ, जिसने सपोर्ट किया वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आईबी हाउसिंग, मारुति सुजुकी और बजाज फिनसर्व, इसके अलावा है HCL Tech, ये जो टाटा स्टील है इसको कैरी करें जिनके पास पोजिशनली रखा हो 530 के लेवल के ऊपर है अभी भी? मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि मेटल्स में वैसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर काफी अच्छे बने हैं, वेदांता से लेकर स्टील अथॉरिटी तक जितने भी लाइक वीक स्टॉक थे, वीकेस्ट वीक स्टॉक थे, उनमें भी अच्छे रिवर्सल फॉर्मेशन बने हैं, तो करंट लेवल से मुझे लगता है इनफैक्ट 530 या 532 के करीब करीब इसे अच्छा सपोर्ट है और उसी के करीब इसे वापस से बाय किया जा सकता है, या तो फ्रेश अगर लॉन्ग पोजीशन करनी है तो भी की जा सकते हैं, या तो जो पोजीशन सभी हाथ में है रजत जी जैसे आपने बोल रहे थे उन्हें होल्ड करना चाहिए, तो करंट लेवल से स्टील अथॉरिटी यस टाटा स्टील होल्ड करना चाहिए। BPCL 4.5% नीचे है, IOC है 3% नीचे और गेल है 2.5% नीचे, ये तमाम स्टॉक्स नेगेटिव हैं और दबाव बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जहां पर सब कुछ संकेतों के बावजूद आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि तमाम मजबूत संकेतों के बावजूद देख लीजिए एक बार रुपया देख लीजिए और डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, जिससे अंदाजा आपको लगेगा कि हम जब बंद हो रहे हैं तब अमेरिकी बाजारों में किस तरह के ट्रेड की उम्मीद हम करके चल रहे हैं और करेंसी मार्केट में किस तरह का रुझान है, क्योंकि करेंसी मार्केट में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है, 68-45 के आसपास के लेवल हमने देखे थे, डाउ अभी भी सेंचुरी मार्कर ऊपर ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स पर मजबूती के साथ और करेंसी मार्केट 68-45 के आसपास है यानी मजबूत है, उसके बावजूद हम दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद हुए हैं, तो वाकई में इसको कहते हैं सीरियस प्रॉफिट बुकिंग।